ये याद रखना। चलो पहला क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना, यही क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में रिपीट हुआ, ठीक है, पहली बात तो। और मैं फिर बार-बार बताने की चीज़ें समझते जाओ, क्योंकि है ना 2011 पेपर में देखा था तो उसमें कम से कम कितने रिपीट थे, 11-12 क्वेश्चन थे। अभी मैंने 2012 का 25 क्वेश्चन ही देखे हैं, तो उसमें चार क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं जो डायरेक्ट रिपीट हुए थे, ठीक है, ऑप्शन के ऑप्शन भी डायरेक्ट मिल रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखना, लगभग मैं तुम्हें 60-70 क्वेश्चन बता दूंगा, ये तो मैं 2011 से ही बता रहा हूँ। अगर उधर 1995 से जाओगे तो और क्वेश्चन मिलेंगे आपको रिपीटेड, ठीक है। एक मिनट सर, आप अपना पिक्चर क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के रखे हैं ना। तो इसमें तो मैं क्या ही करूँगा, इसमें तो ऑलरेडी ऐसी है, ये पेपर ही ऐसा है ना, 2011-12 के ऐसे ही है, सही नहीं दिख रहा, कुछ नहीं ब्लर दिख दिख रहा रहा है। है। अरे तुम्हारे हाथ में पेपर तो है, अरे बताओ। सब ऐसे भी मैं क्या बोला था, पेपर तो सब अपने पास रखना, वो नहीं, तो पेपर पेपर है सर, मेरे में तो पूरा परफेक्ट है सर। अभी ठीक आ रहा। और जूम करिए, मैं तुम करके दिखाऊं, नहीं आपके दिखे थोड़ी अभी। ना जूम ये हो। देखो अभी ठीक है, हाँ ठीक है, चलो अभी देखो, अभी ठीक है, ठीक है। अब ध्यान देखना, ये 2020 में तुम्हारा आया था कैसे जूम क्वेश्चन, होता हो जाता है स्क्रीन ने भी जूम होता है। है, सब में चलो जूम ठीक है, होता है। सूक्ष्म वित्त, अब देखो ध्यान समझना, माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस निम्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का प्रावधान करा, तो ध्यान से समझना। एक तो ये बात कर रहा है कि सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस जो होती है वो निम्न आयु वर्ग, ठीक है, जो मान लो कि डेली मजदूरी का काम करते हैं, उन व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का प्रावधान करती है, ठीक है, वित्तीय सेवाओं का प्रावधान कराता है। यह सेवाएं उपभोक्ताओं और स्वरोजगार में जुटे व्यक्ति दोनों की मदद की जाती है, स्वाभाविक सी बात है, जो कंज्यूमर है, ठीक है, और स्वरोजगार में जो जुटे हुए हैं, ठीक है, उनको दोनों को प्रोवाइड की जाती है। सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत जो सेवाएं उपलब्ध की जाती है वह क्या क्या है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो स्वरोजगार में, देखो ये चीज़ें क्यों वर्ड दिया हुआ, ये चीज़ दोनों समझना, ठीक, स्वरोजगार में जुड़ा हुआ है तो कोई व्यक्ति को क्या क्या चाहिए, उसको ऋण चाहिए वहाँ से, ध्यान से समझना ये चीज़। पहली चीज़ तो ये इसके लिए हो गई, ठीक, दूसरी चीज़ बचत सुविधाएं किसके लिए चाहिए, उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर को, ठीक है, कंज्यूमर को बीमा सुविधाएं भी चाहिए, और जो स्वरोजगार में जुटा हुआ व्यक्ति है उसको निधि अंतरण सुविधाएं भी चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक सी बात हो, मान लो कि उसको कोई कंपनी सामान मंगा रहा है उसको ट्रांसफ़र करना उसके लिए, तो ये चीज़ याद रखना। तो स्वाभाविक सी बात है, एक चीज़ तो क्या हुआ कि अपने को पता लग गया, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सोचो क्यों दिया है, नहीं तो डायरेक्ट वो क्वेश्चन ये एक लाइन में क्वेश्चन पूछ सकता था, वो डायरेक्ट ये भी पूछ सकता था सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस निम्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए कौन कौन सी वित्तीय सेवा उपलब्ध कराता है, ये क्यों दिया है। यूपीएससी क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना, हर चीज़ का लॉजिक होता है, अभी इतनी ध्यान से समझो। स्वरोजगार में भाई सब ऐसी बात है, आप मान लो कि कल इंटरप्रेन्योर बनते हो, कोई आपको कंपनी खोलनी है, तो आपको पहली बात चीज़ ऋण चाहिए, ठीक है, दूसरी बात आपको फंड ट्रांसफर करने के लिए, मान लो किसी कंपनी सामान मंगा रहे हो उसको ट्रांसफर करने के लिए वो सुविधा चाहिए आपको, कंज्यूमर को क्या चाहिए होता है, बचत सुविधा चाहिए, बीमा सुविधाएं चाहिए, ठीक है, तो ये दोनों वर्ड इसीलिए दिए गए हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ पॉजिटिव काम करेगा कोई माइक्रो फाइनेंस होगा, ठीक है, अरे एक चीज़ हमेशा यार कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं, सारे सारे जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो क्या क्या ट्रिक लग रही है, पहली ट्रिक ये देखो, ये क्वेश्चन से अपन आंसर निकालें, दूसरी चीज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव तो सारे काम पॉजिटिव है, कोई भी काम नेगेटिव नहीं है, ठीक है। चौथा काम क्या है, क्वेश्चन की डिमांड जब वाइड होती है, ठीक है, क्वेश्चन की जो मांग है वो वाइड है, तो याद रखना कि ऑल आंसर होगा, तो नए पैटर्न के तहत करो 1 2 3 4। अरे अब क्या 2023 में भी लग रही है ट्रिक, ये चीज़ याद रख लेना। ये बताओ किसका गलत हुआ है, तो क्या क्या लॉजिक लगा है, निधि अंतरण की सुविधाओं गलत होगा, मेरा सही है, ठीक है। तो जो नहीं, मैं जो लॉजिक लगाया वो लगाया नहीं लगाया, ये बताओ पहले, तो मुझे बताओ जो मैंने लॉजिक लगाया है वो किसने कैच किया और किसका सही हुआ उस लॉजिक से, मेरा सही हुआ। आप सर मेरा हुआ, अच्छा मैंने जो सोचा वैसे लगाया आपने, मैंने उसके अकॉर्डिंग चारों ही ऑप्शन उससे मैच कर रहे थे, ठीक है, अभी और चीज़ें सीख लो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये उपभोक्ता ये वर्ड क्यों दिया हुआ है, एक ही चीज़ समझो, ठीक है। अब आ गया, ध्यान से समझना, अभी इस क्वेश्चन का मैं कैसे आंसर निकालूँ ध्यान से समझना, इसके लिए इंग्लिश भी देखने की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। मैं जो वर्ड कैच करूँगा ना वो ध्यान से समझना, ठीक है। भू युद्ध नीति की दृष्टि से, ध्यान से देखना, भू युद्ध नीति की दृष्टि से पहले जियो स्ट्रेटेजी के लिए, ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आईआर के लिए, ठीक है।
भूयनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते दक्षिण पूर्व एशिया, अब ध्यान से देखना ये वाला डायग्राम बनाना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब मैंने देखा है 2011 ले 2023 कम से कम 15-20 क्वेश्चनों में ये डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। नाते दक्षिण पूर्वी एशिया लंबे अंतराल और समय से वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। अब सोचो इक्वेटर पे, अब ये मतलब आशियन कंट्रीज की बात कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, हिंद महासागर आ जाएगा, ठीक है, और प्रशांत महासागर आ जाएगा, ठीक है। एक मोटा मोटा आइडिया इसीलिए बोलते हैं, मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए मैप का, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशिया लंबे अंतराल और समय से वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता है, ठीक है। यह वैश्विक संदर्भ की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्रत्येकारी है, ठीक है। ग्लोबल परसेप्टिव मतलब कि सब इस बातों को बहुत इंपॉर्टेंट विषय, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए सब लोग यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक। अब ध्यान से समझना, ठीक है। और अभी ये देखो एक चीज़ रखना कि क्वेश्चन में पढ़ो, भू युद्ध नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते दक्षिण पूर्व एशिया लंबे अंतराल और समय से वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करते आए, मतलब बहुत लंबे टाइम से कर रहा है और आज भी उसका रिलेवेंस बना हुआ है, ठीक है। यह वैश्विक संदर्भ निम्नलिखित में कौन सी सबसे व्याख्या प्रत्येकारी। अब देखो, यह द्वितीय विश्व युद्ध का सक्रिय घटना स्थल, भाई वर्ल्ड वार खत्म हुई 1945 में, आज उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और ऐसे भी सेकेंड वर्ल्ड वार इधर कोई ज़्यादा महत्व नहीं, ठीक। यह एशिया की दो शक्तियों चीन और भारत के बीच स्थित है, चीन इधर है भाई, भारत इधर है नॉर्थ, ये दक्षिण पूर्व एशिया की बात कर रहा है, गलत, ठीक। यह शीत युद्ध की अवधि में महाशक्तियों के बीच परस्पर मुकाबले, शीत युद्ध किसके बीच में होता है, यूएसए और रशिया, ये इधर है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। यह प्रशांत महासागर, ये देखो अपने जो लॉजिक लगाए थे, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है और इसका चरित्र उत्कृष्ट और समुद्रवर्ती है, बस। तो यही चीज़ है भू युद्ध नीति। दूसरी बात सोचो कि कहाँ पे जमीन की बात कर रहा है, जमीन की बात इसी ऑप्शन में कर रहा है, कहीं किसी ऑप्शन में नहीं, काम नहीं कर रहा, समझ में आया। देखो अब मैं एक और चीज़ इंग्लिश में ध्यान से समझ, जमीन कहाँ दिखाया, अरे लोकेशन इन बिटवीन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन, इट्स ये है ना इस जमीन का, तो नहीं तो सब, वो सब किसकी बात कर रहे हैं, घटना की बात कर रहे हैं। दूसरी बात एक चीज़ सोचो ना, प्रेजेंट टाइम में किस चीज़ का रिलेवेंस होगा, इट्स लोकेशन बिटवीन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन एंड प्री एमिनेंट मेरीटाइम कैरेक्टर। अब मैंने क्या बोला था इसमें, इधर क्या आ रहा था, हिंद महासागर और पैसिफिक, और कोई कुछ ऐसे बात बोला और कहीं पर डी आंसर, ठीक है। ये किस किस का सही हुआ, मेरा हुआ। क्या लॉजिक लगाया था सचिन, मैंने ना मेरा सही हुआ, जो साउथ ईस्ट वेस्ट वाला है ना, उसके हिसाब से किया था मैंने, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखने, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, और भू नीति गठन वो भी देखी थी, युद्ध नीति, ठीक है। अब आगे देखो, सोमेश ये गलत हुआ था सही हुआ था, ये सही हुआ था, कैसे किए थे भाई, जो आपने बताया था अवस्थिति को लेकर के, ठीक। किसका गलत हुआ था, और आगे देखो आप, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। एक एक चीज आप देखो, पहली चीज तो देखो, 1, 2, 3 और नॉन ऑफ दी अबव, ठीक। अब देखो, आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है, मतलब कोई फूड जो प्रोडक्ट बेचती है कोई कंपनी है, ठीक है, वो एक एडवर्टाइजमेंट निकाल रही है, ठीक। उसके उत्पादों में ट्रांस वसा ट्रांसफेट नहीं होती है, तो स्वाभाविक सी बात है ट्रांसफेट नहीं होती है, वो जो स्वाभाविक सी बात है कि जो जिनको दिक्कत होती है उनसे, भाई हमारे प्रोडक्ट आप यूज़ करो, ठीक है, आपको ट्रांसफेट वाली जो दिक्कत होती है उसके कारण वो नहीं होगी। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो उनके जो प्रोडक्ट होंगे उसमें ट्रांस जो फेट होगी वो नहीं होगी, ठीक है। अब ध्यान से समझना एक एक चीज़, तो ये पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव का पॉजिटिव इम्पैक्ट अपने को देखना है। कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से निर्मित, तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं, ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि हाइड्रोजन के तेल होते हैं ना, उसमें क्या होता है, वसा होती है,
अरे बोल रहे कि वसा नहीं है, ट्रांस फैट मुक्त है, तो सब ऐसी बात पॉजिटिव बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। भाई सब ऐसी बात है, फिर बनेगा किससे? आप ये चीज़ सोचो, देखो क्या होता है, ये चीज़ समझ लो, है ना। जैसे क्या होता है, जैसे जो घी होता है, ठीक है, जो अब उसमें क्या होता है, घी में ट्रांसफेट होता है, फिर ऐसी प्रोसेस से गुजारा जाता है इनको, उससे वो क्या होता है, जो ट्रांसफेट होता है उसको गायब कर दिया जाता है। समझ में आ गया? तो भाई सब ऐसी बात है, प्रोडक्ट तो उसी से बनेगा ना, नहीं बनाओगे किससे फिर तुम? आर्टिफिशियल से ही बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना, ठीक। अब आगे देखो, कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः, देखो पॉसिबिलिटी, ये आपकी बात 2023 में भी लगा, ये चीज़ याद रख लेना। जनरली वर्ड हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया, ये मतलब ऑलरेडी पॉसिबल की ही बात कर रहा है। संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहि का स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुँचेगा, ऐसे भी पॉजिटिव बात है। अरे तो सब ऐसी बात है, इसीलिए तो कंपनी एडवर्टाइज करेगी, ठीक है। तो 3-1 फॉर्मूला भी लग रहा है, ये ऑब्जर्व करते चलो, ये लगाना नहीं है डायरेक्ट, देखा नहीं किसी ने, पढ़ा नहीं, भाई पहले से पढ़ो, वो चीज़ समझ नहीं है उसके बाद में सोचना है कि मैं ऑब्जर्व करवा रहा हूँ। क्योंकि अपन जैसे आपकी बार क्या हुआ था, 50 क्वेश्चनों में से है ना 30 क्वेश्चनों का आंसर था ऑप्शन टू, तो ये क्यों आ रहा ऑप्शन टू ये समझो। क्योंकि अगर अपन 2011 से लेकर 2022 तक भी देखेंगे तो 80% क्वेश्चनों में यही लगेगा, ठीक है। ऑप्शन टू, हाँ एक और दो, अरे ये तो फोड़ दूंगा तुम्हें नए पैटर्न में। मैंने ये मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि ऑप्शन 3-1=2, हाँ तो अधिक सवालों में इन दो ऑप्शन सही होते हैं। हाँ अभी मैं फिर बता रहा हूँ, इसको ओनली समझो, इसको अप्लाई मत करने लग जाना, नहीं सीख नहीं पाओगे जो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं मान लो कि ये वर्ड पकड़ा, ये पकड़ना सीखो, ये वर्ड पकड़ना सीखो, अब यहाँ पे देखो ये लॉजिक ही पूरा गलत दिया है, ये चीज़ें पकड़ना सीखो। मैं फिर बता रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा है, देखो जो मैं पक्का बता रहा हूँ, जो तुम लोग गलतियाँ करोगे वो जो मैं ये मेथड बता रहा हूँ 3-1, इस पर भागोगे जल्दी, क्योंकि आज में क्या होता है, ईजी टारगेट होता है उसकी जल्दी तरफ भागता है, ये चीज़ हमेशा याद रख लेना। अब जैसे ये स्टेटमेंट है, डिजायरेबल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, कोई फैक्ट नहीं है इसमें, ये डिजायरेबल स्टेटमेंट याद रखना, हमेशा 100% शुरू होते हैं, सही होते हैं, मतलब डिजायरेबल स्टेटमेंट मतलब हाँ ये तो सही होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि हार्ट पेशेंट के लिए नहीं, सब ऐसी बात अच्छी बात है तो होना चाहिए नहीं, ये तो आएगा। इसमें चीज़ समझ नहीं आ रही, जैसे कि हाइड्रोजनिक तेल है, अब हमको ये नहीं पता है कि इसमें वसा होता है कि नहीं होता, तो हम ये कैसे क्लेरिफाई करेंगे ये सही है गलत है? हाँ वो तो फिर थोड़ा बहुत बेसिक, तो इसीलिए तो बेसिक एनसीईआरटी पढ़ना है, इसलिए तो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है ठीक है। ये हाइड्रोजनीकृत होता है कि सर प्रोसेस होता है वसा, वो निकालने का उसका होता है, कच्चे माल से उसको ये बनाने का, फैट बनाने का, ठीक है। वो बेसिक एनसीईआरटी पढ़ोगे सीख जाओगे, ठीक है। अब इतना सा तो इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ भाई, अंधेरे में तीर का वैसे आईएएस बन जाओगे क्या तुम लोग? क्या बात कर रहे, ये भाई हेल्प है बस, एक एग्जाम निकालने का तरीका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना, मेरा सही हुआ ये समझ, तुम्हारा यही तो दिक्कत है, एक उसमें प्रॉब्लम हो गया। तो क्या 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 आंसर मारे थे तुम? तुम्हारा सर हमने यही तो मारा था एक्चुअली, मैंने चलो ठीक है। अब आगे देखो, मुझे ये लगा कि कंपनी को अगर ये बता देगी कि पशु तेल निर्मित है, तो जो शाकाहारी लोग हैं वो भड़क जाएंगे कि कंपनी, अरे तुम पगला गए। चलो ठीक है, आ जाओ इधर आप सब, ठीक है छोड़ो, कोई नहीं, धीरे धीरे सीखोगे, अभी 2011 का ही टेंशन, मतलब अभी सीख जाओगे। चलो आओ देखो, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र? देखो यहीं पे आंसर छिपा, ध्यान से देखना मैं कैसे बता रहा हूँ, वो चीज़ ध्यान समझना, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी, ये तो भाई महात्मा गांधी के नाम से निकाला था, तो कोई बात नहीं, ठीक। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण है, नेशनल लेवल पे, मतलब सबको जो ग्रामीण है, रोजगार गारंटी अधिनियम, गारंटी दे रहा रोजगार की, इसमें कहीं पे भी ये नहीं बोल रहा कि SC ST के लिए है, कहीं पे भी ऐसा नहीं बोल रहा BPL के लिए है, ठीक है, कहीं पे भी ऐसा नहीं बोल रहा कि OBC के लिए है, बस ठीक है। राष्ट्रीय गारंटी अधिनियम है, सबके लिए, नेशनल मतलब सबके लिए, ठीक। आप पढ़ो, केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काटो, कहीं पे लिखा है ऐसा कुछ होता ना तो लिखा रहता है प्रोग्राम का नाम, ठीक है। गरीब रेखा से BPL ऐसा कुछ लिखा है उसमें, कहीं पे भी नहीं लिखा है। सभी पिछड़े समुदाय के लिए, वैसे गलत, डी आंसर, किसी भी परिवार के वैसे सदस्य के लिए, और यही तो हुआ राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे।
ठीक है, एक और चीज़ ऑब्जर्व करते चलो, देखो इसका भी डी आंसर था, जो नॉन क्वेश्चन होते हैं उसमें डी लगता है। और मैं फिर बता रहा हूँ, नॉन क्वेश्चन मतलब आप पढ़े हुए रहेंगे, ठीक है, आपका जो बेसिक्स जो है पार्ट रहेगा एनसीईआरटी, इनसे बेसिक चीज़ों का। नया क्वेश्चन जब भी बनाता आपकी बार 2023 में बताऊंगा, उसमें ए की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। और आपकी बार जैसे मान लो कि 5 क्वेश्चन आए थे उसमें ए लगा के आते ना, तो 4 क्वेश्चन सही थे, नए क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। जो 5-10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें डी मार के आते ना, तो वो आंसर था। अरे ट्रिक लग रही है, तुम लोग बोल कैसे रहते, लग नहीं रही है, अभी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व करते चलो बस, ठीक है। ये किसका गलत हुआ था? ये सही हुआ था, मैं बताऊँ कैसे। ये जो एक जॉब कार्ड बनता था सर, वो जॉब कार्ड तो अगड़ी जाति के लोग बनाते थे, लेकिन काम पे नहीं जाते थे, केवल पैसा वो लेते थे। तो मुझे ऐसे पकड़ में आ गया, किसी भी परिवार के वैसे सदस्य बना सकते हैं। और यहाँ हर किसी में दिया हुआ है सेक्टर वाइज, सेक्शन वाइज दिया हुआ कि कोई SC ST OBC और अन्य पिछड़ा, ऐसा करके दिया हुआ था। ठीक है, कोई नहीं, आ जाओ। पंचायत में जो होता है ना, ठीक है, चलो आ जाओ। जो करोड़ों के मालिक है वो भी बना के बैठे हैं, गरीब बन के बैठे हैं। हाँ, माय गॉड। चलो ठीक है, आ जाओ अब सब लोग इधर, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, नया वाला पैटर्न सबसे इजी है। अभी देखो कैसे, ठीक। अब देखो कौन सा कथन सही है, ये जरूर पढ़ लिया करो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, भारत की, ठीक है, पूर्व की ओर देखो नीति। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इसी में वही लगेगा। नॉर्थ साउथ गलत बन गया, ठीक है। देखो इधर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखो ध्यान से समझना, भारत यहाँ पे है। अब भारत के इधर पूर्व में, ठीक है, तो इधर पूर्व में सारे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे क्या आ जाएगा, इधर म्यांमार आ जाएगा, ठीक है, थाईलैंड, जापान, ठीक है, साउथ कोरिया, ये सारे, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। अब ध्यान से समझना एक चीज़, ठीक है। अब देखो कोई पॉलिसी बना रहा है, पूर्व की ओर देखो नीति, ठीक है। अब ध्यान से देखना, भारत पूर्वी एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण, एक ये याद रख लेना है, 2023 में कम से कम 10 क्वेश्चन सही करवाया है ये चीज़। एक वर्ड जहाँ पे ऐसे दे देता पॉसिबिलिटी वाले, ये सही होता हमेशा। एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है। और कोई भी देखो बोलते ना कि हर कंट्री के या हर एक व्यक्ति के महत्वाकांक्षाएँ होती है, तो भारत क्यों नहीं चाहेगा कि एक रीजनल प्ले निभाए अच्छे से। पॉजिटिव बात है, होगा, ठीक। ये एक वर्ड याद रखना, ठीक। अब आगे देखना, भारत शीत युद्ध समाप्त होने से उत्पन्न शून्य को भरना चाहता है। भाई शीत युद्ध तो खत्म 1991 में हो गया था, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। भारत अपने दक्षिणी पूर्व तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनर्स्थापित करना चाहता है। मोदी हमेशा जाता है तो क्या ही करता है, यही तो काम करता है, कल्चरली लिंकेज करना। और IR की पॉलिसी है ये, हमेशा ये चीज़ याद रखना। अब ये वर्ड, अब देखो एक और, मैं एक तो ये ट्रिक लग गई, ठीक है, दोनों चीज़ है, 3-1 वाला भी लग गया, 3-1 = 2, ये ऑब्जर्व करते चलो, ठीक। और ट्रिक, एक और ट्रिक सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये ऑड इवन वाली आज नई ट्रिक सिखा रहा हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व करना। देखो ये दोनों स्टेटमेंट है ना सेम है, इसमें पूर्वी एशियाई की बात कर रहा है, ठीक है, इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया की बात कर रहा है, इसमें कहीं पे ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगी ओड हो जाएगा, ये दोनों जो स्टेटमेंट है इवन है, तो इवन ओड वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इवन वाला आंसर आएगा। दो ये चीज़ याद रखना कि आगे भी लगेगा ट्रिक, तो ये चीज़ ऑब्जर्व करना, ठीक है। फिर से बता दीजिए वाला। देखो देखो इस दोनों वर्ड को, इसको एक बार है ना भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ठीक है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को एक साथ पढ़ो, भारत पूर्वी एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है। अब अगली लाइन पढ़ो, भारत अपने दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसी के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनः स्थापित करना चाहता है। ये मतलब एक ही सेंटेंस की दो लाइन है, समझ में आ गया, एक ही सेंटेंस की दो लाइन है, तो ये क्या हो गया A1, ठीक। अब ध्यान से समझना, अब इसको देखना, अब इसको पढ़ो, भारत शीत युद्ध समाप्त होने से उत्पन्न शून्य को बनना चाहता, मतलब जब एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा था तो वो सोचे ये लाइन कहीं से टाप रहा हो,
और ये जो लाइन थी वो एक ही सेंटेंस की लाइन है, इसका मतलब ये ओड हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये ओड इवन वाली फॉर्मूला आगे ट्रिक बहुत काम आएगा, ठीक है। अब आगे देखो, ये किसका गलत हुआ था, सोमेश सही था, कैसे किए पक्का थ्री माइनस वन से किए होंगे, वो मुझे ट्रिक आती नहीं है। मैंने इसमें जो शीत युद्ध का मामला था, मैंने इसमें देखा कि कहीं से मैच नहीं कर रहा है, तो ओड इवन वाली, ठीक है। मुझे नाम नहीं इसका मालूम था, मैंने बस इसे किया था, दोनों सेंटेंस एक दूसरे से मैच कर रहे थे, ठीक है ठीक है ठीक है। और किसी का गलत हुआ, मैं फिर बता रहा हूँ, बता दो नहीं तो फिर पछताओ। सही है, सही है ये। सचिन तुम्हारा? मेरा सही है। अच्छा, कैसे किए? मैंने क्वेश्चन को पढ़ाया, उसमें पॉजिटिव दिख रहा था, इसमें जो नीति थी ना उसके संदर्भ में, आपने इसमें एक जो महत्वपूर्ण जो है ना, एक जो महत्वपूर्ण है मैंने पकड़ा था, ठीक है। फिर मैंने देखा इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव में, मैंने सोचा था, मैंने सोचा था कि शीत युद्ध से भारत को क्या लेना देना, शीत युद्ध तो भारत में हेडेड नहीं है। चलो ठीक है, आप आगे बढ़ो। 43 क्वेश्चन, ध्यान से समझना है चीज। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो क्या होगा, ठीक है। ये पूछा है क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसे तो मैंने क्या बोला, नॉन क्वेश्चन है, नॉन क्वेश्चन क्या आंसर आता है, डी, ठीक है। पहले चीज़ तो एक चीज से भी आंसर आ गया, एक तो एक है, ठीक है। अब लॉजिक समझो, वो तो एक नॉर्मल तरीका हो गया। दूसरी बात है, तो बेसिक क्वेश्चन है, पता होगा, जब भी आप एनसी पॉलिटी पढ़ोगे पता होता है, ठीक है। पर फिर भी मान लो जिसको कन्फ्यूजन हो जाए, तो उसके लिए कैसा क्या आंसर वाला तरीका, वो ध्यान से समझना है। मान लो कि देखो, ध्यान समझना, लोकसभा है, सोचो लोकसभा क्यों बोला है यहाँ पे। और मैं फिर बता रहा हूँ, अगली बार ये जो पूरा ना, इसको मिला के एक स्टेटमेंट बना देगा अगली बार एग्जाम में 2024 में, तो ये चीज़ याद रखना, ये स्टेटमेंट रटे हुए होनी चाहिए। मैं फिर बताऊँ, पेपर रटे हुए होने चाहिए, फिंगर पॉइंट एक ऑप्शन, ये चीज़ उसका मैं महत्व तो बताऊँगा आगे जाके, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, रटे हुए होनी चाहिए, और सही आंसर के तहत वो मैं बताऊँगा आगे क्यों मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। अब आगे देखो, मान लो लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता, सबसे पहली बात अपने को पता कि बजट जो है लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। सभा की बात है, लोकसभा में क्यों लाया जाता है, ध्यान से समझना, क्योंकि जो जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो कहाँ पे बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है। और याद करो, अपने कल एक क्वेश्चन भी किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल फंड ऑफ इंडिया, क्योंकि उसमें संचित निधि वहाँ होती है, तो उसके लिए संसद ही उत्तरदायी होती है। अब ध्यान से समझना, अब लोकसभा में जो है, जैसे मान लो बीजेपी है अभी, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट है, बहुमत है इनका, अगर ये सभा की बात है पारित करवा लेती है तो बहुमत है, सिद्ध हो गया। अगर सोचे पारित नहीं करवा रही, इसका मतलब है कि ये इनका विश्वास मत नहीं रहा वहाँ पे। जब विश्वास मत नहीं रहा तो उस सरकार को वहाँ पे, क्योंकि देख एक चीज़ समझना, जब भी जैसे अभी मान लो कि जितने 2024 में चुनाव होने हैं, अब मान लो कि ऐसा हुआ कि हंग असेंबली बन गया, हंग असेंबली मतलब कोई भी अपना पूर्ण बहुमत अपना सिद्ध नहीं कर पा रहा, तो क्या कभी ऐसी सरकार बन जाएगी? कभी नहीं बनेगी। यहाँ रखना चाहिए, वो कोलिशन वाली गवर्नमेंट बनेगी, या जब किसी को प्रधानमंत्री बना भी दिया जाता है तो उसको बहुमत सिद्ध करना होता है, ठीक है। एक बार जैसे ऐसे हुआ था कि अटल बिहारी वाजपेयी सिद्ध नहीं कर पाए, तो 6 दिन में अपने को उसको इस्तीफा देना पड़ा था। ध्यान से समझना ये चीज़ें, मतलब ये है कि बहुमत होना बहुत ज़रूरी है। संघीय बजट पारित नहीं करा पाए तो क्या नहीं है, बहुमत नहीं है। और जब बहुमत नहीं होता है तो भाई उसको वहाँ से हटना ही पड़ता है, ये चीज़ हमेशा याद रखो। अब देखो यहाँ पे ऐसी कहाँ बात करी, बजट में संशोधन करें दोबारा पेश किया जाता है, फिर क्या ही मतलब हुआ, ठीक है। सुझाव है तो बजट राज्यसभा भेज दिया जाता है, कोई मतलब नहीं, राज्यसभा का को ज़्यादा रोल रहता भी नहीं है बजट में। संघीय वित्त मंत्री त्याग पत्र देने के लिए कहा जाता है, याद रखना, संघीय वित्त मंत्री नहीं, लोकसभा में। एक चीज़ याद रखना, जब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि जो सामूहिक जो है कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो रहता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई एक मंत्री पे नहीं, वो सारा मंत्रिपरिषद पे आता है, और सारा मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देगा, तो ये किस में बात कर रहा है, प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र पेश कर देता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, कम से कम 10 क्वेश्चन आए हैं इसी कॉन्सेप्ट पे आगे, तो गलत हुआ ना आगे फोड़ दूंगा। ये किसके इसका गलत हुआ, ये सही है, ठीक है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बड़ी याद रखना, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, इससे कम से कम 10 क्वेश्चन आए इसी कॉन्सेप्ट पे, 10 क्वेश्चन, ठीक है। समय सही हो गया था, मैंने अटेंड नहीं किया था, हाँ मैंने अटेंड ही नहीं किया, क्यों भाई मेरे यहाँ पे मतलब समझ रहे हो, 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम में भी 100 के 100 क्वेश्चन करना, क्या नहीं यार, ये तो बेसिक से तुम पढ़े हो, तो पॉलिटी ना पढ़े तुम, फिर क्या ही पढ़े तुम, फिर क्या ही दृष्टि 2 लाख रुपए दी, और क्या, नहीं बता रहा हूँ ये चीज तो बेसिक चीज़। चलो अब आगे देखो, पता नहीं
अब देखो ध्यान से समझना, अब चलो ठीक है 44। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ आपकी बार क्वेश्चन आएगा इससे डीप फंडामेंटल ड्यूटी से, क्योंकि बहुत साल हो गए क्वेश्चन आया नहीं है इससे 2020 के बाद, तो आपकी बार 100% चांस आएगा क्वेश्चन, मैं फिर बारह बता रहा हूँ। आपकी बार जो बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ये चीज़ समझ लेना। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है? अब मैं एक चीज़ ध्यान से समझना ना, ऐसे तो इसमें तो पता है आपको, पर जिस टाइप इस टाइप का पूछता ना आंसर, मूल कर्तव्य नहीं है क्या नहीं है, उसमें मोस्ट मतलब ऑब्जर्व करो, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आंसर मार के भाग जाओ बिना पढ़े, मतलब ऑब्जर्व करना कि ये आंसर आता है, ये चीज़ ध्यान से समझना। अभी मैं देखो जैसे इस क्वेश्चन, जैसे मैं देखो डी वाला ऑब्जर्व करवा रहा था, इसमें डी आया, ठीक है, इधर भी अपन जो देखे थे उसमें भी डी आया था, देखो इसमें डी आया था, ठीक है, इसमें डी आया था, ऐसे मैं ऑब्जर्व करवा रहा हूँ, इसके मतलब मत समझ लेना कि इसी में टिक मार के भागना है, ये मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप में आंसर में ये आता है क्या है करके ऐसा पूछता है ना, जिसमें याद रखना ये क्या नहीं है, इस टाइप में याद रखना। देखो अगर हाँ ये तो डी और ना ये तो ए, हाँ मतलब जब पॉसिबिलिटी ये होती है कि नॉन क्वेश्चन होते हैं उसमें डी तक जाता है, क्योंकि वो जानबूझ के फंसाना चाहता है बच्चों को, वो सिमिलर सिमिलर टाइप से देता है ऊपर ताकि बच्चे गलत कर ले, क्योंकि भाई एक चीज़ याद रखना है, एग्जामिनर माइंड में रखता है कि उसको कौन सा क्वेश्चन सही कराना होता है, कौन सा यूपीएससी, तुम्हें क्या लगता है यूपीएससी जब पेपर बनाती है ना वो तभी कट ऑफ डिसाइड कर देती है, बच्चे डिसाइड नहीं करते यूपीएससी का कट ऑफ, ये चीज़ याद रख लेना हमेशा, तुम्हें क्या लगता है इसीलिए तो सीसेटों क्यों टफ बना रहे हैं, उनको पता है कि बच्चे जीएस में चीज़ें सीख चुके हैं, हमेशा याद रखना है कि वो खुद एग्जामिनर कट ऑफ डिसाइड कर रहा होता है, इसलिए सीसेट में डिफिकल्टी लेंथी पेपर ये सारी चीज़ें, वो इसीलिए फॉर्मूला खेलता है, नहीं उसको सोचना क्या मतलब है, पर वो एक एक चीज़ के पीछे दिमाग लगाता है, ये चीज़ याद रखना, तो वैसे तुम्हें भी हर क्वेश्चन के पीछे दिमाग लगाना सीखना है, ठीक है। अब देखो लोक चुनावों में मतदान करना, सोचो अगर मूल कर्तव्य होता, पहली बात है भी नहीं, सोचो खुद ही सोचो ना कि बहुत सारे व्यक्ति जैसे मैं खुद आज तक कभी वोट नहीं दिया तो मतलब ये फंडामेंटल ड्यूटी है नहीं, ठीक है, ये है ना जब सरदार शरण सिंह कमेटी बनी थी ना उसमें रिकमेंडेशन दिया था उसने, परंतु उसकी रिकमेंडेशन नहीं मानी गई थी, ये याद रखना, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी गई थी उसमें से 8 ही मानी गई थी, ये याद रखना, ठीक है, तो ये नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ सोचो, तो ये ऐसे तो आंसर आ चुके, देखो वैज्ञानिक प्रति विकसित करना, ये आगे भी क्वेश्चन रिपीट होगा तो ये सही है, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये तो भाई सबसे कर्तव्य होना चाहिए, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों को सम्मान करना, ये भी है, ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बस ये चीज़ याद रखना है इसमें, ठीक। अब अगला देखो, फाइनेंस कमीशन वाला मैंने है ना जब ये करवा रहा था 2000 पिछले साल, तो मैंने उसी टाइम बोला था कि आपकी बार पीटी में क्वेश्चन आएगा, आया भी देख लो, ठीक है, तो ये यूपीएससी 2023 में, ठीक है, आपकी बार याद रखना है ना FRBM एक्ट इम्पोर्टेंट, आपकी बार याद रख लेना 2003, इसको दोबारा से अच्छे से पढ़ लेना, रिपीट होगा आपकी बार ये क्वेश्चन, क्योंकि देखो 2018 में आया था, फिर 2020 में आया, ठीक है, और आपकी बार रिपीट होने के चांसेस है, तो इसको कर लेना अच्छे से FRBM एक्ट, क्योंकि है ना वापिस से जो 16 फाइनेंस कमीशन बैठ रहा है 16 and 17 2025 से लेके 2030 के लिए, तो याद रख लेना आपके रिपीट होने के चांसेज है इस क्वेश्चन के, जब भी FRBM एक्ट बजट मैनेजमेंट वाला है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, जब भी वो बनता है ना फाइनेंस कमीशन तो वो ये रिकमेंडेशन देता है वो कि कैसे सुधार करना चाहिए, जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम करने के लिए, राज्यों का कितना फिजिकल डेफिसिट है, सेंटर का कितना फिजिकल डेफिसिट है, तो याद रखना आपकी बार रिपीट होगा क्वेश्चन, और मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ लिखते जाना, जैसे मेरा माटी मेरा देश अभियान रिपीट होगा, एशियाई खेल आपकी बार रिपीट होगा, ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो है रिपीट होगी, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, और हो सकता है जैसे मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ 2021 में खेल का दिया, 2022 में नहीं दिया, 2023 में दिया, तो हो सकता है 2025 में दे खेल का, फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एशियाई खेलों में अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है, तो यूपीएससी जो है इनका ध्यान रहता है। दूसरी बात एक चीज़ रखना है, राम मंदिर बना इसका क्वेश्चन रिपीट होगा, हिस्ट्री में जाके जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने देखा जो गवर्नमेंट बहुत बड़े लेवल पर कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रही है तो उसके क्वेश्चन बन रहे हैं पिछले 4-5 साल को, ऑब्जर्व करके देख लो आप। दूसरी चीज़ जो ये संसद का उद्घाटन होगा उसका क्वेश्चन रिपीट होगा, जो शिलान्यास उसमें वो नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा जो मालूम पहले कोई फॉरेन ट्रेवलर रहे हैं उन्होंने कोई साक्ष्य दिए हैं ऐसा कुछ जो भी है, मतलब रिपीट होगा वहाँ से क्वेश्चन, कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेगा देख लेना, ठीक है। अब आगे देखो, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में लिखने में से कौन सा कथन सही है? अब ध्यान से समझना, फाइनेंस कमीशन की बात बोला, कमीशन हमेशा याद रखना रिकमेंडेशन देता है,
पहली चीज़ ये चीज़ याद रख लेना। दूसरी बात, जो कमीशन होता है ना, उसका कभी भी अध्यक्ष मंत्री मंत्री नहीं होगा, ब्यूरोक्रेट होगा, ये चीज़ याद रख लेना। इससे ट्रिक से आगे क्वेश्चन सोल्व होंगे, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी को अंतर पर प्रोत्साहित करता है, फिर भाई सरकार क्या काम करेगी? अरे मैं फिर बता रहा हूँ, इसका सीधा सा बात है, फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला तय करने का काम होता है। भाई सेंटर स्टेट में कितना जाएगा पैसा, जैसे मान लो 100 रुपये हैं तो सेंटर को कितना मिलेगा, स्टेट को कितना मिलेगा, वो जो स्टेट में स्टेट है उनको कितना मिलेगा, ये चीज़ याद रखना। इसका इसके अलावा और कोई काम नहीं होता है ये, कभी ये विदेशी पूंजी को अंतर प्रवाह प्रोत्साहित करना इसका काम नहीं है, सरकार क्या काम करेगी, ठीक। अगला, ये कमीशन है, कमीशन रिकमेंडेशन देने के लिए बनता है, ठीक है, और कुछ ही काम नहीं होता उसका। वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित, ये देखो इंग्लिश में पढ़ना है इसको, प्रॉपर, प्रॉपर क्या होता है ये वर्ड याद रखना, बहुत जगह आगे जाके बहुत जगह गलत होगा, ये वर्ड याद रखना। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ होता ही नहीं, ये चीज़ याद रख लेना, समुचित वित्त, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता, सुनिश्चित करना वर्ड गलत है, वो फॉर्मूला देता है कि ऐसे आप करो तो ऐसी चीज़ें अच्छी होगी, ये चीज़ समझो। सुनिश्चित करने का मतलब होता है लागू करना, ये तो भाई सलाह देता है, ये चीज़ समझो, ये लागू कर, ये सलाह देता है, सलाह ओनली, सलाह रिकमेंडेशन देता है, ये चीज़ याद रखना। तो ये गलत है, डी आंसर है, ये पक्का गलत हुआ होगा। किसके किसका गलत हुआ? नहीं, मेरा सही हुआ था। और किसी का गलत ही नहीं हुआ, तो फिर काहे नहीं बोल रहे हैं? इसमें सर एक तो समुचित आया था, सो उससे गलत कर दिया था, और उसमें पारदर्शिता सुनिश्चित आएगी, तो ये फिर मेरे को गलत लगा, जो विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह है वो फिर मेरे को गलत लगा, ठीक है। चलो अब देखो आगे, देखो, चलो ये बताओ सपना, तुम्हें इतना ही पता नहीं, ये बताओ ये क्वेश्चन किस कब आया, रिपीट हुआ ये वाला, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये सेम बुक तो शिक्षा का अधिकार, हाँ, कब हुआ, इसमें क्या करूं, कब रिपीट हुआ बताओ, नहीं ऐसे नहीं याद हुआ, मुझे पता नहीं है, मुझे सन याद नहीं होते हैं, ये तो पीछे भी आ चुका है शिक्षा अधिकार वाला, ये हाँ नहीं, पर ये 2020 में रिपीट हुआ, सेम ध्यान से रखना, 2020, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मैंने इसी क्वेश्चन को बी आप में सोल्व किया था, वो क्वेश्चन सही, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो अब मैं जो क्वेश्चन का लॉजिक लगाऊँ ध्यान से समझना, ठीक है, इसमें 2-3 चीज़ें लगेगी, ठीक। मानव अधिकारों की व्यापक घोषणा, व्यापक उद्घोषणा, ध्यान से समझना, व्यापक मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें मानव अधिकारों के, तो स्वाभाविक सी बात है क्या हो गया, क्वेश्चन का डिमांड वाइड डिमांड, तो स्वाभाविक सी बात है क्या हो जाएगा, और डायरेक्ट, ठीक है, आगे देखो। परंतु एक तो ये लॉजिक हो गया, ठीक है, ध्यान से समझो, वो धीरे धीरे समझने में आएगा, डायरेक्ट आंसर निकालोगे तुम लोग बस, ठीक है, पर समझो कैसे। मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत उपयुक्त में से कौन से अधिकार मानव अधिकारों में आता है, अब ध्यान से समझना, मानव राइट, ह्यूमन राइट, ध्यान से समझना, कि शिक्षा का संबंध नहीं है, है शिक्षा का अधिकार तो चाहिए, मानव के लिए बनी है एजुकेशन, जानवरों के लिए तो बनी नहीं है, पहली चीज़। समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करना, भाई ये अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? दूसरी बात देखो, मानव अधिकार तो ये भी मानव, ये समानता का अधिकार मानव के लिए है, ना पशुओं के लिए नहीं है। भोजन का अधिकार, भोजन मानव ही करता है, जानवर भी करते हैं, पर तो अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है, अधिकारों की बात होगी, सारे के सारे आएंगे। अब देखो 2020 का क्वेश्चन सुन लो यहीं पर, उसमें बोला था कि जो ये हुई है नेशनल ह्यूमन राइट है, ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट है, उसमें जो है रिफ्लेक्शन जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से पार्ट रिफ्लेक्शन करते हैं, अब देखो शिक्षा का अधिकार कहाँ पे है, आर्टिकल 21A, दूसरे उसके साथ साथ कहाँ पे है, फंडामेंटल ड्यूटी में, याद रखना। इसके अलावा कहाँ पे है, DPSP में, ठीक। समानता सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का आर्टिकल 14A, 15, 16 ये वाले राइट, ठीक है। भोजन का अधिकार आर्टिकल 21, और आप उधर जाओगे ना DPSP में भी है, तो वहाँ पे बस कुछ ही नहीं दिया था, ये तीनों दिया था, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और DPSP। तो बताओ ये तीनों चीज़ भी तो है ना, बस यही आंसर था, मैंने ऐसे ही सही किया था। हाँ, तीन क्वेश्चन पूछे, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल, हाँ, अरे ये आपकी बार रिपीट होंगे, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ठीक है, चलो आओ अब आगे। ये किसका गलत हुआ था? ये मेरा सही, गलत बात, इसका तीनों ऑप्शन सही है, तो और क्या,
इसका तीनों आए थे ना, हाँ तीनों ठीक है। ठीक है अब आगे, हाँ बोलो। ये ना यही क्वेश्चन, मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा इस टाइटल से एक बार और यही क्वेश्चन पूछा गया था। मैं बता रहा हूँ ना 2020 में आया था। मुझे याद है ना, कहाँ सो रहे हो तो। और ये सर अभी इसको ना 75 वर्ष पूरे हुए हैं, तो रिपीट हो सकता है, अब की बार याद रख लेना, हो सकता है रिपीट। 75 वर्ष देखो 1949 में आया था ये, नहीं 50 में, हाँ तो अगले साल 2025 में हो जाएगा इसका, हाँ हो गया 2024 में। 10 दिसंबर 1948 है, 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार घोषणा हुई थी, 10 अभी से 48 है वही तो ना, हाँ तो 25 साल तो हो गए, 75 तो हो गए ना, फिर 50-20 हो गए, 48 में है ना कि ना, तो अभी कैसे, इसलिए तो 2020 में क्वेश्चन आया था ना, 2020 में हुआ था उसको, 20-22 कितना कहाँ भेजा, भेजा हुआ है सर, पहले भेजा था, अभी नहीं भेजा, जब मैंने ये पेपर सॉल्व किया था 10 दिसंबर 1948 को है मानव अधिकार की व्यापक घोषणा, उस टाइम आया था। कहीं 76 भी साथ तो चल रही है ना, 10 दिसंबर 1948 हो तो गए, तो 25 कैसे हुए, 23 2 20 25, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो क्वेश्चन रिपीट होने चांसेस है, 2020 में भी आया था यही सेम क्वेश्चन, ठीक है तो ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है, और ये मैं बता रहा हूँ ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, कभी भी पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन, याद रख लेना। ठीक है भारत के समुद्री जल में, ठीक है पहली बात भारत के बोल रहा है और समुद्री जल के बारे में बोल रहा है, ठीक, हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि चिंता की व्यक्त की गई, हानिकारक शैवाल है और उसमें प्रस्फुटन मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, और ये जो इसकी वृद्धि और चिंता व्यक्त की गई तो सब ऐसी बात है नेगेटिव थीम है क्वेश्चन की। इस समवर्ती का क्या क्या कारक तत्व हो सकते हैं, सकते 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 मतलब क्वेश्चन की माइंड क्या हो गई वाइड, जब वाइड हो गई तो ऑल, 1 2 3 ठीक। अब देखो ध्यान समझना, जवाहर नद मुख से पोषकों का प्रभाव, तो स्वाभाविक सी बात है, देखो ध्यान समझना, वो यूपीएससी देखो मैं फिर बता रहा हूँ ये चीज़ समझो, मैथ नहीं है ये जीएस है, जीएस में याद रखना सब्जेक्टिविटी का विषय होता है, सब्जेक्टिविटी का विषय होता है तो यूपीएससी खुद ही ऐसे क्वेश्चन डिजाइन करती है। देखो ध्यान समझना, जवाहर नद मुख से पोषक प्रस्ताव, अब मान लो ये हो रहा है, इसके एक कारण भी हो गया जो सवाल को बढ़ावा दे रहा, तो वो आंसर हो जाएगा, इसलिए यूपीएससी रिस्क नहीं लेती है, जो भाई मैं जो लॉजिक सिखा रहा हूँ उसके पीछे साइंस है, इसको ऐसे मत समझो, ये तुक्का नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ साइंस है, ये साइंस है कि एग्जामिनर के माइंड को कैच करना, अरे ये बार बार पेपर से ही समझ में आ गया, इसलिए बिना पीवाई की भाई यूपीएससी तैयारी नहीं है, ये चीज़ याद रख लेना, तो ये समझो क्यों आंसर आ रहे हैं अपन, ये इसके पीछे लॉजिक है भाई, क्योंकि सोचो कि जवान एक भी अगर पोषक तत्व तो आ गया तो भाई वो उसका सवाल एक भी रीजन हो गया तो वो बढ़ावा दे देगा, तो यूपीएससी हमेशा एक माइन्यूट लेवल पर काम करता है, उसको भी पता है रिस्क नहीं लेना है। मानसून में भूमि से जल हुआ है, भाई सबाई पता है यूरिया वूरिया होता है वो मिट्टी से आ जाता है, तो इसलिए वो सवाल प्रश्न बढ़ावा देता है। समुद्र में अपवेलिंग, याद करो यही कॉन्सेप्ट अभी 2011 में अपन किए थे, 2011 का पेपर ही है, उसमें क्या होता था पोषक तत्व ऊपर आते थे, पोषक तत्व ऊपर खा के तो क्या करेगी सवाल बढ़ावा देगी, तो सारे के सारे आंसर समझ में आ गया मुझे, मेरा ये पहले वाला क्या ज्वारदन मुख से पोषक तत्वों का, तो भाई स्वाभाविक सी बात है पोषक तत्व आएंगे तो शैवाल खाएगी, शैवाल खाएगी तो फैलेगी, स्वाभाविक सी बात है ना, तो क्या उसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं टेंशन। अब मैं फिर बता रहा हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे जाके रिपीट होगा ये चीज़ याद रख लेना, क्योंकि अब की बार है ना करंट अफेयर में चर्चा में था कि एल्गी ब्लूम तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है अब आगे देखो, ये किसका गलत हुआ था, मेरा क्यों गलत हुआ, ये सकता कौन देखेगा, क्वेश्चन की डिमांड वाइड है ये कौन देखेगा, तो ऑल आंसर आएगा ये कौन देखेगा, मैं, तो फिर, और मैं फिर बता रहा हूँ 2023 में भी लगा है, सचिन तुम्हारा गलत हुआ सही हुआ, सही ठीक है। चलो अब आगे देखो, अब ध्यान से समझना है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ 2021 में, देखो सुनो 2021 में रिपीट हुआ, 2020 में रिपीट हुआ यही क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है ध्यान समझना। अब देखो ध्यान समझो, उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है, बस सिंपल सी बात है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड कौन छोड़ रहा है, ठीक, प्रकाश संश्लेषण, बच्चा बच्चा जानता है, पांचवी क्लास के बच्चे से पूछ लो, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है,
ठीक है, आप देखो ध्यान से समझना, ठीक। श्वसन भाई, अपन सांस लेते हैं निकालते हैं, पता नहीं कितनी गैसें निकालते हैं, तो भाई कभी रिक्स नहीं लेगी यूपीएससी होगा ये। जे पदार्थ कब से डिकम्पोजर होता है भाई, कितनी गैसें निकलती है, मैथेन भी निकलती है, कितनी निकलती है याद रखना ये चीज़, नाइट्रोजन निकलता है सेल पर, बहुत सारी गैसें निकलती है भाई, कौन से जैव पदार्थ, ये भी तो सोचो ना, जैव पदार्थ बहुत सारे होते हैं, किसका हो रहा है डिकम्पोजर, बहुत सारी गैसें निकलेगी, निकलेगा जल में गिरे भाई, जल में कितनी गैसें निकलती है याद रखना इसका मतलब। तो ये ट्रिक भी लग गई, 4-1 वाला ट्रिक याद रखना ये चीज, अरे ये ऑब्जर्व करो बस, अब ये मैं आंसर इसे बता ही नहीं रहा हूँ, वो तो आंसर बता, फिर मैं डायरेक्ट टिक मारता ना, ये तो मैं बता रहा हूँ कि देखो ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा लगता कर रहा है, मुझे समझ नहीं आता ये 4-1। अभी तुम कुछ ही मत सोचो, इसको 4-2 क्यों नहीं कर सकते हैं, नहीं करना ना, यही तो बात है, ठीक है आगे देखो। अब देखो यही क्वेश्चन है ना, यूपीएससी 2022 में रिपीट हुआ, 2020 में रिपीट हुआ, 2022 में, देखो हर, अब ये देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मल्टीपल 3-3 टाइम 4-4 टाइम, और 2024 में रिपीट होंगे, ठीक है ध्यान से समझ रहे आप। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जे अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया समूह तथा वेसेनार व्यवस्था के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत के सदस्य बनाए जाने का समर्थन देने का निर्णय लिया है, इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच क्या अंतर, ध्यान से समझना मैंने क्या बोला था, जब भी डिफरेंस दिया रहता है तो पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम की, वो क्या एग्जामिनर की, वो इधर से चीज़ इधर कर देता है और इधर की चीज़ इधर कर देता है, बस यही, और ये यूपीएससी करता है, अरे छोटे मोटे जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं वो लोग भी करते हैं, उनके पास यही होता है कि स्टेटमेंट बच्चों को थोड़ा, तो यूपीएससी भी करता है, ये चीज़ ध्यान से समझना। अब बस यही चीज़ ऑब्जर्व करना है, देखो दूसरी चीज़ देखो, ऑस्ट्रेलिया समूह है ठीक है, तथा वेसेनार व्यवस्था है कि नाम से ज्ञात बहुपक्षीय, बहुपक्षीय है, मल्टीलेटरल है ठीक है, निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है ठीक है, भारत के सदस्य बनाए जाने का समर्थन लिया है, मतलब अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा, ध्यान से समझना इस चीज़ को है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हुआ 2 बार और आगे भी रिपीट हो सकता है ये चीज़ ठीक है। अब देख ध्यान से समझना, ऑस्ट्रेलिया समूह एक, अब देखो एक दिया है, अनौपचारिक ठीक है व्यवस्था है जिसका लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखिम को न्यूनीकृत करता है ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, इसमें कुछ ज़्यादा गड़बड़ी है भी नहीं ठीक है, ध्यान से देखना जहाँ गलती होगी। जबकि वेसेनार व्यवस्था OECD के अंतर्गत गठित औपचारिक समूह है जिसका समान लक्ष्य, अब ध्यान से समझना पहली बात, मैं देखो इसमें दो दो तीन तीन चीज़ें पकड़वाऊंगा, वो ध्यान से समझना, पहली चीज़ संस्था गलत होती है यूपीएससी में, पहले ट्रिक ठीक, दूसरी सोचो समान लक्ष्य के लिए दो संस्थाएं क्या काम कर रही है भाई, क्या ही मतलब है फिर, दो संस्था बनाने का क्या मतलब हुआ ठीक है, ये चीज़ कैच करो, पहला गलत। अब अगला देखना, ये चीज़ें पकड़ो, मैं फिर बता रहा हूँ यूपीएससी लॉजिक देता है भाई, ये चीज़ ऐसे नहीं है, ध्यान से समझ नहीं लेना ठीक। एक बार फिर से सर कहाँ सोए रहते हो तुम, ठीक है ध्यान से देखो। अब देखो इसको जनरल स्टेटमेंट पढ़ो, ऑस्ट्रेलिया समूह एक अनौपचारिक, देखो यूपीएससी नहीं मतलब ज़्यादा इतना नहीं करता, यहाँ फॉर्मल की जगह इनफॉर्मल कर देगा, वो नहीं करता यूपीएससी ठीक है, अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखिम को न्यूनीकृत करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि अपन देखते हैं एक वाला वर्ड सही आता है। अब आगे देखो, जबकि वेसेनार व्यवस्था OECD के अंतर्गत, पहली बार संस्था गलत होती है, 99% गलत होती है यूपीएससी हमेशा के 2024 में भी है, होगा देख ले, एक बार हुआ था 2022 में उसने संस्था सही दे दिया था याद रख लेना, एक बार तो एक आध बार तो कोई नहीं रिक्स लेना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ठीक है, अरे पना जहाँ पता होना चाहिए तो वहाँ नहीं रह लेना है भाई ठीक है। ये देखो कौन है, गेट ये लाइट भी जला देना सोमेश ठीक है। अब देखो एक तो संस्था गलत है, के अंतर्गत गठित औपचारिक समूह है जिसका समान लक्ष्य है, तो सोचो आप ही खुद ही सोचो समान लक्ष्य के लिए दो चीज़ें क्या कर रहे हो, जो भी इतने इंटरनेशनल लेवल पे दो समूह समान लक्ष्य के लिए कौन बनाएगा, क्रिकेट के लिए को सोचो ICC बना हुआ क्या, अलग से एक और इंटरनेशनल कोई ग्रुप बना रहेगा क्या, क्या मतलब हुआ फिर ICC का रखने का, तो ये समान लक्ष्य के लिए दो चीज़ें क्यों होगी ठीक है।
तो ये चीज़ याद रखना, पहली चीज़ गलत। अब अगला देखो, ऑस्ट्रेलिया समूह के सहभागी मुख्यतः, ये वर्ड याद रखना ना, मेनली, मेनली वर्ड गलत होता है 99%, ठीक है। मुख्यतः एशियाई, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के देश ही है। सोचो ये बोला कि एशिया के देश है, अफ्रीका यूरोप के क्यों नहीं लेगा भाई, यूरोप से दुश्मनी है क्या इसको? और जहाँ अमेरिका होता है ना वहाँ यूरोप होता ही है, ये चीज़ याद रख लेना। ऐसा कोई भी समूह नहीं मिलेगा जहाँ अमेरिका है यूरोप नहीं है, ये चीज़ याद रख लेना। तो ये मुख्यतः वर्ड है, मतलब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि रिड्यूस कर रहा है चीज़ों को, तो ये गलत है। जबकि वेसेनार व्यवस्था के सहभागी मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिका महाद्वीप के देश। अब देख लो मैं बोल रहा था ना, यूरोप हो गए वहाँ अमेरिका हो गए, तो ये मेनली वर्ड है, गलत होगा, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो, दोनों दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो डी आंसर आएगा। आप बताओ ये किसका किसका गलत हुआ? गलत हो गया, ये सही है मेरा। सेकंड तो मैंने गलत ही किया था, जो फर्स्ट था ना वो न्यूनीकृत, तो मेरे को वो पॉजिटिव लगा, मैंने फिर आगे भी सही कर दिया वो। कुछ समझ में आ रहा सोमेश? हाँ। क्या समझ में है? कि मुख्यतः शब्द जहाँ हो तो 99% गलत होता है, बस ये चीज समझ में आई। वो कोई लॉजिक समझ में ना आया तो मैं पेन दो मुझे। देखो बाएं है कैसा है, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो एक बार अगला क्वेश्चन दोबारा ट्राई करो, ये रमेश ट्राई करो। मैं एक बार बताऊं सर, इसका दो एक्सप्लेनेशन सर, थोड़ा रुक जाओ अभी, रुक जाओ एक मिनट करो चुपचाप क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? 50 करके नहीं आई थी क्या? हाँ ये नहीं करके आए, सपना क्या करे बताओ। नहीं मैं पूछ रही हूँ, आपने उस दिन बोला था ना, मुझे लगा। चलो ठीक है आ जाओ आप इधर, है ना। अब देखो ध्यान से समझना ये चीज़, है ना, यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ यूपीएससी 2021 में, और यही सिमिलर टाइप से कॉन्सेप्ट 2023 का, उसमें बस जीएल का पीएच वाला मान पूछा था। अगर अगर इस बेसिक कॉन्सेप्ट को जाकर रिवाइज करते तो वो भी पढ़ लेते। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो आपकी बार आया वो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो उस दिन रिद्धि ने भेजा भी था, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। अरे फिर बता रहे लिखते चलो, ये नहीं लिखते सी नंबर सही है इसका, सर सी नंबर सही, लिखते चलो ना साथ ही साथ में, ठीक है। अब देखो इधर देखो ध्यान से समझना, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो क्या होता है ना, जैसे अभी ये डल झील है जम जाती है, अभी देख लेना, अभी फोटो मिलेगी आपको, उस पर डल झील पर लोग ऐसे टहल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि सर्दियों के दिनों में ये जो ऊपर वाली लेयर होती है ये बर्फ़ हो जाती है, ठीक है। अब ध्यान से समझना ये चीज़, अब एक ध्यान समझना, किंतु उसके तल में जल द्रवावस्था में बना रहता है, पर ये यहाँ पे है, ये नॉर्मल पानी बना रहता है, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि अरे अगर आप, मैं बताऊँ ये क्वेश्चन आपने बचपन में बहुत बार किया होगा, अरे ये एनसीईआरटी में है, क्वेश्चन आधा दिया हुआ है इसका पूरा आंसर था ना, जैसे क्वेश्चन जब फेम होता है तो ऐसे बनता है, क्या कारण है कि ठंडियों में बर्फ जम जाने के बाद भी मछलियाँ जीवित रह जाती हैं, वही ये तो मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में छठी सातवीं क्लास में नहीं पढ़ा था, ठीक है। अब ध्यान से समझना ये किस कारण से होता है, देखो बर्फ उष्मा की कुचालक होती है, भाई गलत बात है, अगर बर्फ उष्मा की कुचालक होती तो ऐसा तो होता ही नहीं। अगर सोचो जैसे बर्फ रखी है कैसे पिघल जाती है, बाहर रखी रखी कैसे फिसल जाती है, अगर कुछ कुचालक होती तो सुचालक है तभी तो पिघलती है ना, ऐसे क्या देख रहे हो नहीं पता, बर्फ उष्मा कुचालक होती है, कुचालक नहीं होती सुचालक होती है वो, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कुचालक गलत है ना ये, भाई अगर कुचालक होती तो कैसे पिघल जाती, समझ में आया, तो उसमें से गर्म हीट लग के तो पानी बहने लग जाता ना, तो गलत चीज़ ये नहीं है। आगे देखो,
झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण उसमें कोई हानि नहीं होती। ये स्टेटमेंट गलत होता है, याद रखना। इस टाइप का वर्ड याद रखना, ये सीसेट में भी गलत होंगे इस टाइप के वर्ड, याद रखना ये चीज़। कोई हानि नहीं होती है, फालतू की बात कर रहे हैं। ठीक, अगला, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, यही है। ठीक है, यही आंसर है। एक्सप्लेन कर दीजिए, डेंसिटी है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कहाँ से बना था। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो उसमें आता है कि अपन जो ठंडा पानी होता है उससे कपड़े नहीं धुलते हैं, और जब गर्म पानी होता है क्यों धुल जाते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2021 में। बस पोलराइजेशन होता है, इसीलिए सर्फ से जल्दी कपड़े जल्दी क्यों धुल जाते हैं बिना ऐसे किए, तो वो है H2 और वो वाले कारण है कि ठोस जल से कपड़े। हाँ ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ये किसका गलत हुआ था, देखो बात गलत, ये भी गलत कर दिया बात। ये चीज समझो कि देखो लॉजिक क्या है इसके पीछे। ठीक है, आपका लॉजिक यहाँ नहीं लगाया था, पर मेरा सही है कि कोई हानि नहीं होता, ये तो हो गया, और ये नंबर तो देखते ही गलत हो गया। चलो ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अब मैं फिर बार बार बता रहा हूँ ये चीज समझो। अभी यहाँ तक 50 क्वेश्चन हो गया ना, इसका R&D कर लेना। अरे बताओ कहाँ तक R&D किए हो तुम लोग? मैं तो वही जवाब कर रहा हूँ, तुम्हारी पढ़ाई तो वहीं तक ही चल रही है। R&D कहाँ तक किया सोमेश, कहाँ भाग रहे हो अब ऐसे छुपके? मैं फिर बता रहा हूँ, R&D बिना किए कोई मतलब नहीं है, समझो कोई चीज। R&D करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। कर लेना भाई, धाकड़ वाली उसकी वजह तेरे से है ना। अच्छा ठीक है, तो मैं फिर बता रहा हूँ ये कर लेना, नहीं तो मैं शायद 20-25 छोड़ दूंगा। चलो अभी मैं देखो कुछ चमत्कार दिखाऊं तुम लोगों को ना। मैं चमत्कार दिखाओ सर, पहले GS का पेपर दिखाता हूँ, रुक जाओ तुम लोग। चमत्कार पे चमत्कार, ठीक है ध्यान से देखना ना। अभी मैं सारे क्वेश्चन करवाता हूँ, ये नई ट्रिक से। कौन सा है? CSE के लिए 2023। ये तो किए थे यार, प्रेजेंटिंग। चल जा भाई, चमत्कार देखेंगे अभी हम। ठीक है, इधर देखो सर, इसमें मिटते कैसे हैं? मिटता है उसमें, ये बढ़िया चीज़ है रफ्तारे के लिए। चलो ठीक है, आप सुनो इधर देखो, इधर फटाफट देखो। देखो मैं कुछ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक, झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है, कृष्णा नदी कोलेरू झील से भ्रमण करती है, गंडक नदी विष्णु से कावर झील, इसे किसी को आंसर पता है? इसमें विसर्पण करती है कावर झील, तीसरा तो सही है, कोलेरू झील भ्रमण करती है, तीनों सही है सर इसमें, कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है छोड़ो, अब तुम लोग है ना नहीं समझ रहे हो। अब देखो सुनो, देखो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन याद रखना है इसमें, ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये देखो, ये लग जाएगा, इसमें ट्रिक लगेगा, मैं जो बता रहा हूँ ट्रिक लग रहा है। 2 और 3 सही है। ठीक है सुनो, चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र, भाई चीन का एरिया देखो। अरे 2000 NCERT है ना, 11th क्लास के NCERT क्वेश्चन है डायरेक्ट, 11th क्लास के NCERT का, और 10th 10वां चैप्टर। ठीक है, इसलिए NCERT पढ़ना समय, ठीक है, जो तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, अब आगे देखो ये क्वेश्चन, ये इकोनॉमिकल वो 11th का 2023 का भी है ये। अब देखो ये देखो क्वेश्चन, अभी 2011 का 51 नंबर क्वेश्चन है ना, यही है 51 नंबर क्वेश्चन, यही है वो कच्छ का रण वाला। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब देखो मैंने बताया था उस दिन कच्छ की भूमि डायरेक्ट कच्छ का रण। ठीक है, एक ट्रिक, अब ध्यान से देख के जाना है ना, 2023 वाले है ना सर? यस यस, अभी देख के जाओ, ये पीछे भी तो रिपीट हो चुका है। हाँ वही तो बता रहा हूँ, अरे बहुत बार रिपीट हुआ है ये वाला, ये भीतरकणिका वाला, देखो मैंने बताया था उस दिन। ठीक है, अब आगे देखो सुनो, अब ध्यान से देखना ना, ये वाला क्वेश्चन भी है ना, भारत के तटीय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इलेमिनाइट और रूटलाइट निम्न किसके समुद्र स्रोत है, बताओ किसके हैं? लोहा और तांबा तो होगा नहीं,
ठीक है, इल्यूमिनेट एल्यूमिनियम सर, टाइटेनियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एल्यूमिनियम का। ठीक है, अब आगे देखो, सुनो मैं जो ट्रिक सिखाया था ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो ये पर्णपाती वृक्ष वाला है ना, ध्यान से समझना है ना। देखो ये है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर हाँ 1995 उधर जाके देखना और बार रिपीट हुआ। संसार के लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों के बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु के द्वारा उत्पादित किया जाता है, ध्यान से समझना है ना, सी आंसर। अब आगे देखो, इसी क्वेश्चन का आंसर अगले क्वेश्चन में दिया, मैंने बताया था दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कांगो बेसिन, ठीक है। अब ध्यान से समझो इसका आंसर, ये कांगो। अब ये तीन बार आया है इसी पेपर में, तीन बार क्वेश्चन आया है। एक आगे देखना, कांगो मैंने बोला था तभी नया क्वेश्चन बनता है, ए आंसर। अब आगे देखो, ये देखो ये क्वेश्चन, देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मिलेगा 2015-16 में मिलेगा, आया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये पूर्वी घाट है, ये मुझे पता था, ठीक है। ये देखो ये सतपुड़ा है, ठीक है, ये गलत है। और ये है ना, ये कर्नाटक में पाया जाता है, पश्चिमी घाट में, गलत, तीनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक। अब देखो अभी एक और मैं तुम्हें बताता हूँ, आगे ध्यान से देखना है ना, ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ था। अब मैं, अब देखो समझो कुछ कुछ चीज़ें है ना, ध्यान समझना है ना, ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ था। अब मेरे कैसे क्वेश्चन में डाटा गलत होता है, काटो, ठीक है। भारत में अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर रहता है, ये कितनी बार रिपीट हुआ है, कम से कम है ना 2011 से लेकर 2022 तक आपको ये ना 5 बार ये क्वेश्चन मिलेगा कोयले का, 5 बार याद रखना, 5। हाँ ठीक है, तो इसका अब देखो, ये देखो ये भी मेरा सही हुआ है। शिक्षुदान स्तन मतलब प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, याद रख लेना, ठीक है, कंगारू जो है, ठीक। शिशुदान स्तन केवल परभक्षी, केवल वर्ड काटोगे आ जाएगा इसका, ठीक है। अब आगे देखो, दोनों नहीं है, ये डायरेक्ट 2011 का क्वेश्चन मैंने बताया भी था उस दिन डेटाबेस, ये मेरा सही हुआ था उसी कारण से। ये देखो कुछ ट्रिक, ये मेरा सही हुआ था कुछ ही ट्रिक से कारण से, ठीक। अब आगे देखते जाओ, ये भी मेरा सही हुआ था, ठीक है, इसमें भी देखो 2 आएगा। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड कितनी बार, सेम डियर कितनी बार पूछा, तीन चार बार। ये देखो ये रिपीटेड, ये रिपीटेड, ये रिपीटेड, ठीक। अब आगे देखो, अब देखो ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, जाके देख लेना उधर, 2008 या 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है, मधुमक्खी वाला, ठीक है। ये देखो ध्यान समझना, भारतीय गिलहरियों के बारे में, वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड का निर्माण करती है, ये मुझे पता था, कहाँ बनाती है वो, पेड़ पे बनाती है, ये गलत है। वे अपने भोज्य पदार्थ जैसे कि डर्ट फुल नटो बीजों भूमि अंदर जमा करती है, ये बात सही है। अरे वे सर्वभक्षी होती है, ये बात सही, ध्यान समझो। भारतीय गिलहरियों की बात कर रहा है भाई, कितनी टाइप की गिलहरी होती है, कोई तो मांस खाती होगी, दो दूसरे। मैं फिर बता रहा हूँ, इन चीज़ों के लिए कॉमन सेंस ही लगाना पड़ेगा। अब आगे देखते जाओ ना, ये देखो मेरा सही हुआ था कुछ, अरे ये मैं इसी के बारे में बोल रहा था, ये देखो ये आगे रिपीटेड। अब बोलो रिपीट हुआ नहीं हुआ, जल का हिमांक पॉइंट कितना होता है, 4 डिग्री। मैं फिर बता दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ का है डायरेक्ट सही आएगा, अगर मैं भी दे दिए ना किसी में तो। आप देखो इस क्वेश्चन में 19 का आंसर बता रहा हूँ, ये 2008 का क्वेश्चन है, यूपीएससी 2008 में, जाके देख लेना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक। ये क्वेश्चन 2012 का, आज ही मैं देख रहा था, डायरेक्ट यहाँ दिया है, ये एरोसेल भी दिया है, फोम एजेंट भी दिया है, डायरेक्ट दिया है वो 2012 के क्वेश्चन में डायरेक्ट, ठीक है। आप देखो ये ध्यान समझना, कोविड विश्व महामारी के बाद हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी, ये बात जनरल स्टेटमेंट है। आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती उपभोक्ता, आमतौर जनरल स्टेटमेंट, मैंने क्या बोला था सही होता है, ये रिजल्ट बोर्ड देता गलत हो जाता, ये आंसर, ठीक। अब ये देखो, ये भी मेरा सही हुआ था, ठीक है। अब देखो जब मैं कुछ और क्वेश्चनों में, मेरा कहने का मतलब है कि समझो ये चीज़, यही चीज़ है। देखो ये कार्बन क्रेडिट वाला याद करो, अपन क्वेश्चन किए थे 2011 में, ऐसी संभावना कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सही, कार्बन बाजार संसाधनों प्राइवेट सेक्टर से राज्यों को हस्तांतरित कर देते हैं, अरे नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ था, ये मैं बताऊंगा आगे जाके, ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग मान लो, ठीक है। हाँ बोलो सर, मैं बोली जैसे 23 का जो ऑप्शन आया ना, इनमें इनके लिए कुछ लॉजिक बताना। अरे ये बहुत ईजी है, ये पुराना पैटर्न है, अगर ये आपको पैटर्न जाओगे ना 1995 से लेके लगभग 2005 तक आपको ये पैटर्न मिलेगा, ये पैटर्न वहीं से उठाया यूपीएससी ने, ये वाला,
ये पहले आते थे, अब ये आपको मिल जाएंगे 1995 से क्वेश्चन करोगे ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखो ये मैंने देखी थी। हाँ ये अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ये ध्यान से समझना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2020 में आया था, ध्यान से समझना। अब मैंने इस क्वेश्चन को सोचो जब मैं इस पेपर आज देख रहा था, देखो भारत के कुछ वर्ड डायरेक्ट सही होगा, सोचना भी नहीं है। जनजाति लोग काले तिल के बीज तेल पर पकाने के लिए लेते हैं। आगे देखो, काले तिल की खेती खरीफ की फसल रूप में होता है। अपन ज़्यादा तिल की खेती कब होती है, खरीफ की फसल है। अब देखो, भारत सरकार काले तिल के बीजों के न्यूनतम समर्थन, ध्यान से समझना भाई, सरकार है ना तिल के लिए प्रोवाइड करती है, तो तिल भाई कितने भी प्रकार के हो सरकार करेगी। और दूसरी बात ये चीज़ याद रखना, जनजाति लोगों से जुड़ा हुआ है तो सरकार ज़रूर देगी, तीनों के तीनों सही होंगे। अब मैं फिर बता रहा हूँ, इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस। ये क्वेश्चन में सही किया था मैं बताऊंगा अभी नहीं, पर छोड़ो, मैं जो क्वेश्चन पे आज देख रहा था, देखो ये क्वेश्चन यही सब याद आएगा, पहले करने दो खुद से, पहले क्वेश्चन पेपर करने दो फिर से, नहीं तो फिर सुनो ये, मैं सुनो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2020 में भी आया था, 2018 में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो मैंने बोला था ना वित्त आयोग, ये क्वेश्चन देख लो, मिल गया, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 का, ये क्वेश्चन 60-70 क्वेश्चन ये रिपीट, कम से कम 5-6 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, 5-6 बार, 5-6 बार ये डायरेक्ट आंसर। मुझे ये क्वेश्चन आ रहा था जो मुझे भी ये क्वेश्चन आप करवाए थे, ठीक है। आप देखो ये क्वेश्चन, ये मैंने बोला था क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें वाले में ना मैंने एक वर्ड पकड़ा था, मेरा क्वेश्चन एकदम सही हो गया, तो सीमित सरकार दे दिया था और वही वो क्वेश्चन उसी से बनता है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं बता रहा हूँ बहुत क्वेश्चन, ये मूलतः वर्ड गलत होता है, मूलतः वर्ड गलत होता है, ये दोनों सही है। देखो एक वर्ड पकड़ो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सही होंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, संविधान परिभाषित करता है, ये गलत, ठीक है। पुहार ये पता नहीं, डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी 2018 में आया था। ये देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड, ये मैंने बोला था, कृष्ण देवराय आजकल फेवरेट है यूपीएससी का, ठीक है। ये क्वेश्चन काम किया था बेचारा, ठीक है, ये चीज़ याद रख लें, ये रिपीटेड क्वेश्चन है 1995 के जाके, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब रुक जाओ, अब ध्यान से देखो, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन, जो अभी मैं ट्रिक बताया था ध्यान से समझो। ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंत्रों का इस्तेमाल होता है। जनरल स्टेटमेंट है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, सही। कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते, नेगेटिव स्टेटमेंट। रिसाइकलिंग इकोनॉमी का कोई बढ़ावा दे रहे हैं, आंसर डायरेक्ट। मैं फिर बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान से एक ही चीज़ समझना बस, ठीक। अब ध्यान देखो, कार क्रैश टक्कर का जिसमें एयरबैग लगभग तुरंत फेल जाता है, पता लगाना, एक्सेलेरोमीटर, त्वरणमापी, ये जाके देख लेना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने के जिसमें हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, पता लगाना। स्मार्टफोन के झुकाव जिसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन घूम जाता है, ये याद रखना। टेक्नोलॉजी का मैंने क्या बोला था, जब टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आएगा तो तीनों सही होंगे, एप्लीकेशन जब भी बोल रहा है, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप ये चीज़ समझ लो, क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होंगे, ये चीज़ याद रख लो, क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होंगे। अभी देखो ये क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बाई फिल्टर वाला, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। रुक जा, मैं एक क्वेश्चन जो बताना चाह रहा था, ये देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने बोला भी था अभी आगे और आएगा। देखो, आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर ही नहीं है, ये तो एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। अब आगे देखो, हाँ अब देखो ये क्वेश्चन है ना, आज मैं देख रहा था, 2012 में मैं करवाऊंगा ये क्वेश्चन, डायरेक्ट रिपीट, और ध्यान समझना ये चीज़। हरित हाइड्रोजन संदर्भ में इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता, उसमें ऐसा लिखा था कि सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसी स्टेटमेंट को सही करके इसने डायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट दिया बस और कुछ नहीं, ये सही है। इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, सही है। इसे वाहन चालक ने हाइड्रोजन इस्तेमाल किया जा सकता है, सारे सही। अब बोलो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी 6 क्लास का, एनसीईआरटी क्वेश्चन क्लास के भी गर्भ गया हो, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो ये कोयला आधारित फिर आ गया। अब ध्यान दो कितना इजी क्वेश्चन मेरा, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि 2023 के पेपर अगर आप उधर जो सीखते आ गए ना, तुम लोग सीख लिए। अब ये ध्यान से देखना, कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के बारे में दिया है, उनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं किया जाता। सोचो एक बाल्टी भी यूज कर लिया तो गया, काटो।
उनमें कोई भी जल संकट होने वाले जिले में स्थापित नहीं है। अरे भाई आज नहीं है तो कल हो जाएगा। अरे ऐसे भी महाराष्ट्र महाराष्ट्र में पड़ा था वहाँ पे, इसीलिए तो विवाद हुए थे, तमिलनाडु में विवाद हुआ था इसी को लेके, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा जल होता है इनमें, ठीक है। उनमें कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है, गवर्नमेंट अभी प्राइवेटाइजिंग ऐसे ही बढ़ावा दे रही है डायरेक्ट, कोई भी नहीं। अब देखो ध्यान समझना, मैंने अब जो मैं ये ट्रिक सिखा रहा था ना कि नॉन क्वेश्चन में अननोन क्वेश्चन में, ध्यान से देखना वो ट्रिक अब लग रही है। बोली चले पद्धति नया क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्या आएगा ये आंसर, और यही आंसर है, ठीक। अब आगे देखो, और वो ना संगम पीरियड वाला को डी आंसर होगा, उसका रीजन समझो, क्योंकि नॉन क्वेश्चन है वो, संगम पीरियड हर बार पूछता है यूपीएससी, इसलिए डी आंसर है उसका। वटी करितल वटी करितल वाला जो महिलाओं से संबंधित था, हाँ ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। अब देखो ये बीटा है, अल्फा बीटा विट के संदर्भ में डी आएगा, इसमें से मेरा सही हुआ था ये, ठीक है। अब मैं फिर बार बता रहा हूँ कि कैसे किए थे वाला, मेरे को ये पता था अल्फा बीटा गामा वाला एनवायरनमेंट इकोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट, तो इसमें शेयर मार्केट दिया है। हाँ तो क्या दिक्कत है उसमें, अल्फा बीटा गामा क्या करता है बायोडाइवर्सिटी में, वो संकेतक के रूप में काम करता है कि क्या चेंजेस हो रहा है उस बायोडाइवर्सिटी में, तो वित्त के संदर्भ में यही होगा। ये संख्या तो मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति दिशा था बस, ठीक है। अब सी सेट करवा रहा हूँ, रुक जा कुछ क्वेश्चन और है, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड डायरेक्ट मैंने उसी आधार पे किया था इसको, ठीक है। और क्वेश्चन आएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जाके देख लेना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और मैंने देखो मैं बता रहा हूँ, जाके देख लेना, हर बार स्वदेशी आंदोलन से क्वेश्चन आता है, कब कब, जब भी ओड ईयर होता है, जाके देख लेना, जब भी ओड ईयर होता है 2019-21-23 स्वदेशी आंदोलन से क्वेश्चन आता है हमेशा। और देख लेना आपकी बार नहीं आएगा, ये है इसकी खासियत, ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं तो स्वदेशी आंदोलन से क्वेश्चन आए हुए, 2011 स्वदेशी आंदोलन से क्वेश्चन आए हुए अभी कहाँ के। अरे नहीं, मैंने 2019 में ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, 2019-21-23 स्वदेशी आंदोलन से क्वेश्चन आया है, जाके देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। रुक जब मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा था, ठीक है, ध्यान समझना। इसमें ऑड इवन वाली कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ, जो अपन सीख रहे हैं अभी, वो लग रहा है इधर, और वो 2024 में भी लगेगा, ध्यान समझना। ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट इसमें, यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं संवर्धी समझौता, ध्यान से समझना, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट। यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे किस तरह को सीमित करते हैं, बजटीय घाटे के लिए तो स्थिरता लानी है, ठीक है। यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी आधारिक संरचना सुविधा आपस में बांटना सुखद बनाती है, यूरोपीय देशों संघ अपनी प्रौद्योगिकी, ध्यान समझना ये क्या है ओड, और ये कॉन्सेप्ट इवन, ये आंसर आएगा, ये ओड है। ये सोचे स्टेबिलिटी उसकी बात कर रहा है ग्रोथ की, तो भाई बजटीय घाटे के लिए करना है ना कि इसके लिए, ठीक है। अभी तो मैं जो ट्रिक मैं ये बोल रहा था ना, ध्यान से समझना, उत्तर कीव्यू और इटली, ठीक है, खेरासन और यूरोपिया, ठीक है, ये याद रख लेना। और ये नारगोन कारबाक, ये 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का, ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है वो, ठीक। देखो इन्होंने क्या किया है, इसका ये ऑप्शन है, ठीक है, इसका है जो मैंने बताया कांगो वाला, इसीलिए चर्चा में था कांगो, इसीलिए वहाँ से 3 क्वेश्चन बना लिया यूपीएससी ने, वहाँ झगड़ा हो रहा था। और ये है ना यूक्रेन और रशिया के बीच का है, खेरसन और जापरीज, ये ना कि इजराइल और लेबनान, याद रखना आपकी बार रिपीट होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो मैंने ये क्वेश्चन कैसे सही किया था, यह पहली बार था जब शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया, इसने अधिकृत सुमगत तंबी का नाम दिया गया था, ऑप्शन सेशन जीतने वाली टीमों के लिए ट्रॉफी वीरा बच्ची महिला विभाग सेशन जीतने वाली, दो ऑप्शन के तहत किया था मैंने इसको। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अपेक्षा है डायरेक्ट, वो खुद ही पूछ रहा है भाई, अपेक्षा है। ये देखो ये क्वेश्चन कैसे सही होगा, जे समूह की एक मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दे वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के रूप में जनरल स्टेटमेंट है, कुछ भी नहीं बोला, और यही तो होता है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिक, एक है ये, एक ट्रिक याद रखना,
दोनों दोनों सही। ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो लगभग लग मैंने मैं बता रहा हूँ 60-70 क्वेश्चन है, 60-70 क्वेश्चन। रिस्क लोगे ना तभी फायदा होगा। ठीक 2013 थे ना। कहाँ तक कर लिए थे इसमें? यहाँ तो हो जाए थे ना, जान देखना फटाफट इधर आ। 2013 ये गड़बड़ी कैसी हो गई? हाँ आ गया, आ गया पेन आ गया। ठीक है आप देखो फटाफट सर, इसका जो ये होता है ना थंबनेल बनाते हैं ना तो ऐसे डालिएगा 2011 पार्ट 3 पार्ट 2 पार्ट 1 ऐसे करके सर, इतना क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन 30 से 40 पार्ट 4 क्वेश्चन 40 से 50 पार्ट 5 ऐसे कंप्लीट। क्या दिक्कत है? क्लास वाइज तो है ही ना वो जो थोड़ा कभी कभी कुछ इम्पोर्टेंट हो जाता है ना सर, तो उससे यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि अभी उतना तो मेरे को भी आईडिया नहीं पड़ा। अब देख लिया करो क्लास साथ के साथ इसमें क्या यार, लिखा करो ना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखा करो। पर एक बार ऐसे बार बार देखने पड़ेंगे ये वीडियो तब जाके तुम लोग माइंड में घुसेंगे। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। अरे नहीं वो मैं लिखता हूँ सर, वो मैं आपके लिखता हूँ की पॉइंट जो आप कराते हैं ना कि ये मूलतः हमेशा गलत होता है, तो ये सब तो लिख लेता हूँ। वो जो अभी आपने बताया था 2011 में पूछे गए थे, 2018 में पूछे गए थे इस टाइप से, तो साथ में लिख लिया करो उसमें क्या है। चलो ठीक है देखने अगर इफ पॉसिबिलिटी दे डूएबल। चलो ठीक है अभी तक देखो ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवाया था। ठीक है तो ये अब ठीक है ध्यान से देखो, पास दिखा नहीं देता, एडवांस दिखा नहीं देता। चलो ठीक है अभी देखो चश्मा लगा दो यार, अच्छे से नंबर बनना शुरू हो जाएगा। चलो ठीक है देखो फटाफट है ना। देखो एक घन के फलकों पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के अंकित चिन्ह किए गए हैं। घन के तीन दृश्य नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है घन पर क्रमशः ए और बी चिन्हित दो फलकों पर संभावित अंक क्या हो सकते हैं? अब देखो ध्यान से, मैंने उस दिन में क्या ट्रिक सिखाई थी कि दो सिमिलर पकड़ो, जैसे एक पकड़ लिया अपने ध्यान से समझना। ठीक है तो एक के पास में क्या क्या है? 6 है, 4 है, 2 है, 3 है। ठीक है सब बाईस बात है, एक के जस्ट अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। तो नहीं हो सकता फिर। ठीक है तो स्वाभाविक सी बात है एक नहीं है। आंसर ऐसे ही आ गया, इसमें एक कोई से भी काट देंगे तो 2 और 3 समझ जाएगा। ठीक है अब आगे और देख लेते हैं एक बार। अब देखो और कोई सोचो कॉमन, यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 3 ले लो। पास में और दूर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आता है, पास में ऊपरी विपरीत में। अरे जो विपरीत रहेगा वो नहीं दिखेगा ना डायग्राम में, जैसे मान लो एक के जो ये विपरीत है, विपरीत मतलब नीचे, तो ये नहीं दिखेगा। तो इसमें कैसे पता चला जो पास वाले एक के? देखो ये 6 है, ये 4 है, ठीक है, और इधर 2 है, ये 3 है, और 5 दूर है, और 5 नीचे होगा ना, जस्ट अपोजिट होगा। तो क्योंकि देखो एक भुजा के पास में कितने पॉइंट हो सकते हैं? 4 पॉइंट ही रह सकेंगे। 5 वाला एक जो होगा, 5वां पॉइंट वो उसका अपोजिट होगा। मैं समझा रहा हूं ठीक। जैसे किसका गलत हुआ था क्वेश्चन? डाइस बनते हैं 6 खाने से, ठीक। अरे बताओ ऑनलाइन सचिन तुम्हारा, मेरा थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। अभी समझ में आया? हां समझ में आया। एक सबसे इजी था ये तो। 3 4 मैंने आपके वाले तरीके से निकाला सर, एक का अपोजिट 5 होगा, सॉरी 5 का अपोजिट 1 होगा, तो तीन ऑप्शन हटाए, पहला निकल के आ गया, फट से आ गया। और क्या जिसके विपरीत होगा उसका कोना नहीं छोड़ेगा, जैसे एक की छोड़। ठीक है तो ये चीज याद रखना। ठीक है और आपकी बार मैं फिर बार बार रीजनिंग के क्वेश्चन रिपीट होंगे क्योंकि यूपीएससी पे आपके थोड़ा है, और आपके याद रखना है ना। वो क्या करेंगे थोड़ा जीएस का पेपर जो इस बार, क्योंकि उनको पता लग गया कि बच्चों में फियर है आपकी बार जीएस का पेपर कर लेके, तो कट ऑफ उधर से कम होगी जीएस के पेपर से। सीसेट का पेपर अब क्या ठीक ठाक ही आएगा, ज़्यादा टफ नहीं आएगा। ठीक है ठीक है समझ में आ गया। अब देखो ये 3 वाला भी देख लो, 3 के पास क्या क्या है? 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, इसका मतलब 3 के जस्ट अपोजिट क्या होगा? 4। ठीक है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ अगर मान लो कि जैसे 3 आएगा तो 4 नहीं आएगा। ठीक है सीधी सी बात है 2 और 3 है। अब देखो मैंने कैसे पता लगा? पता लग गया ना ये वाला, ये सब कट जाएगा क्योंकि ये
जो पांच का जस्ट अपोजिट है वो एक है, वो यहाँ नहीं आएगा, तो एक नहीं आएगा तो इसी, और ये फ्यूजन बना ही उसी लिए है, ये चीज़ याद रखो। चलो ठीक है, अब ये ग्राफ वाला देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, अब की बार देखो 2018 में यूपीएससी ने जब से कट ऑफ सीसेट का कारण गिरा है तो यही कारण था ग्राफ वाला, और अब की बार यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्योंकि लगभग 5 साल हो गए ये क्वेश्चन आए नहीं है, और ये अच्छा खासा स्कोप है इनमें क्वेश्चन बनाने के, और अच्छा खासा है यार, ये बहुत अच्छी चीज़ भी है, ये बनने भी चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, मतलब अच्छा टॉपिक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस अगर आपको परसेंटेज वर्सेंटेज आती है चीज़ें तो ध्यान समझना है ना। नीचे के दो सचित्रों का अध्ययन कीजिए और उसके पश्चात 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, ध्यान समझना। पुरुष और स्त्री का अनुपात दिया है कि भौतिक के, मान लो कि जिसमें से 32 पुरुष है टीचर, 8 महिला, ऐसे करके सबका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है अपने चित्र में, भौतिक के प्राध्यापकों की आयु दी हुई है, ठीक है, जैसे भौतिक के देखो ध्यान समझना, ये टोटल टीचर कितने हो गए, 40 हो गए, ठीक है, उसमें जैसे 32 मेल है और 8 फीमेल है, ठीक। अब उनमें से जो है भौतिक के जो टीचर, उसमें से भाई कितने 40 कितने एज के हैं, जैसे 35 से 40 44 के बीच में 40% है, ऐसे करके पूरा वो दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, भौतिक के कितने प्राध्यापक 35 से 44 के आयु के हैं, अब ध्यान से समझना कि 35 से 44 की एज ये है तो यहाँ पे कितना परसेंटेज इनका, 40%। अब ध्यान से समझना किसका 40%, ये टोटल जो है टोटल कितना, देखो 32 और 8, 40 का 40% परसेंटेज निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, 0 का 0, 4 का 16, आंसर आ गया 16, ठीक है। मुझे परसेंट बता कैसे, परसेंट निकाल वो ऊपर चित्र में परसेंट थोड़ा सा बता दे, देखो ध्यान समझे, इधर टोटल टीचर भौतिक कितने हैं, 32 मेल है, 8 फीमेल है, तो टोटल टीचर कितने हो गए, 40 हो गए, ध्यान समझना। अब ये दिया है कि पूछ रहा है आपने को 35 से 40 आयु को कितने टीचर हैं, तो 40 में से जो है 40% टीचर ऐसे हैं जो 35 से 44 के बीच में है, तो 40% निकालना, तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 4 4 16, हमको यही वाला तो समझ में नहीं आया था, 40 का परसेंट क्यों निकालेंगे, क्योंकि अरे भौतिक के टीचर है ना ये सारे भौतिक के, अच्छा ठीक है। अरे आप ये चीज़ सोचो ना, जैसे मान लो कि 10 आम है आपके पास, ठीक है, उसमें से कितने आम खराब हो गए, मान लो 2 आम खराब हुए, ठीक है, तो भाई सब ये तो नॉर्मल तरीका हो गया, पर परसेंटेज में निकालना, 10 का मान लो कि 2% आम खराब हो गए, ठीक है, तो 0.2 मतलब 2% या मालूम, मैं 20% मान रहा हूँ, तभी 0 2 0 0 कट जाएगा तो 2 आम कट, समझ में आ गया, तो वही चीज़ है निकालने का, ठीक है, ठीक है। अभी सीखेंगे ऐसे भी, तो ये जब परसेंटेज सीखोगे जब सीख जाओगे, पर ये क्वेश्चन ईजी है तो मैं थोड़ा करवा देता हूँ, पर ऐसे आगे सीखोगे ये चीज़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तो टाइम। निम्नलिखित में किस एक विभाग में पुरुष स्त्री का अनुपात सबसे अधिक है, पुरुष स्त्री का अनुपात पूछा है। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट अपन इस मैप का यूज करेंगे, अब देखो मैं कैसे निकालूँ वो ध्यान से समझना, ठीक है। भौतिकी में देखो पुरुष कितने हैं, देखो पुरुष और मेल फीमेल का रेशियो चाहिए अपने को, ठीक है, मेल इसमें कितने हैं 32, फीमेल कितनी है 8, तो कितना रेशियो आ गया 4। गणित में देखो, गणित में पुरुष है 28, वुमेन है कितनी 8, तो इसका भाग दोगे तो कितना आएगा 3 8 5 40, ठीक है, 3.5 के समथिंग आएगा। रसायन विज्ञान में देखो, रसायन विज्ञान में पुरुष है 16, तो ये तो ऐसे कम आएगा 16/20, तो ऐसे भी है तो 0.10 मतलब में आएगा, और अपने सबसे अधिक पूछ रहा है। अर्थशास्त्र में देखो, अर्थशास्त्र ये रहा, इसमें पुरुष कितने हैं 24 और महिलाएं कितनी है 8, तो कितनी बार गया 3 बार, तो सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है 4, तो भौतिकी आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा ना ये ऑनलाइन में। ऑनलाइन में अमित सबको समझ में आ रहा है, तो सही हुआ था सबका, ये किए नहीं थे इस क्वेश्चन को, क्यों गलत क्यों हुआ, चलो ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन अभी जैसे प्रॉफिट लॉस ये सब, अरे नहीं ऐसे नहीं होता ना, ठीक है, अब ध्यान से देखो लगा उन्हें इसमें ट्री लगता है वो मैं बताऊंगा इसमें भी लगती है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, वो मैं बताऊंगा कैसे लगती है, अभी अपन रुक जाओ, कुछ कुछ क्वेश्चनों में लगती है जो पास करवा देंगे तुम लोगों को, ठीक है, अब ऐसे नहीं 2023 के पेपर में भी लग रही थी, ठीक है। अब देखो, मनोविज्ञान के सभी प्राध्यापकों में स्त्रियों का प्रतिशत क्या है, ठीक है, ध्यान से समझो, मनोविज्ञान के सभी प्राध्यापक, मनोविज्ञान का ये रहा,
अब देखो 27 बात है, वुमेन का पूछ रहा है तो वुमेन कितनी है, 6 है ठीक है, टोटल कितने हो गए 10 में से 6 वुमेन है, परसेंटेज निकालना 100 से गुणा 60% 40 और 60 ठीक है डायरेक्ट आ गया। अगला देखो, यदि भौतिकी के 25 से 34 आयु समूह की स्त्री प्राध्यापकों की संख्या ठीक है, उस आयु समय के भौतिक कुल प्राध्यापकों का 25% है तो 25 से 34 आयु समय के भौतिक पुरुषों का प्राध्यापक संख्या क्या होगी, ध्यान से समझो। अब देखो 25 से 34 कितना है, 25 से 34 ये वाला डायग्राम ठीक है, मतलब 30%। अब ध्यान से देखना टोटल कितने हैं, 40 40 का पहले अपन 30% निकाल लेते हैं, 40 का 30% निकाला तो कितना आ गया, 12 आ गया, ध्यान से समझना। 12 में से मेल है कुछ, कुछ फीमेल है, समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, 12 का 25%। उस आयु समूह के भौतिक कुल प्राध्यापकों का 25% कौन है, वुमेन, तो वुमेन 12 का कितना 25%, 25/100 3, तो सब ऐसी बात है जब 3 महिला है तो पुरुष कितने बचे, 9 आ गया आंसर, 9 आएगा ना, हाँ ऐसे नहीं सीखना है, तुक्का नहीं मानना ठीक है। अब अगला देखो, यदि मनोविज्ञान के प्राध्यापकों की संख्या विश्वविद्यालय में कार्यरत कुल प्राध्यापकों का 2% है तब इस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक कुल संख्या, ध्यान समझना, मनोविज्ञान का ठीक है, ये क्या दिया, यदि मनोविज्ञान प्राध्यापक संख्या विश्वविद्यालय में कार्यरत कुल प्राध्यापकों का 2% है ठीक है, तब इस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक कुल संख्या कितनी है, ये देखो ये 6 और 4 10 ठीक है, ये 10 जो है किसका मान है, 2% का, अपने को चाहिए कितने का, 100% का मान ठीक है, तो 2 से कटा 5 500 ठीक है, समझ में आ गया। अरे अभी ठीक है, परसेंटेज लो पढ़ेंगे अभी ठीक, अब अभी टेंशन मत लो ठीक है, पर ये इजी क्वेश्चन है, मतलब मेरा मानना है कि आपकी बार रिपीट होने के चांसेज है कि 2018 के बाद में अभी ऐसे क्वेश्चन कभी आए नहीं, और ये याद रखना जब 2018 में पूछा था उस टाइम कम से कम 20-22 क्वेश्चन पूछे थे इससे, और उस टाइम मेरे 100 नंबर आ गए थे ग्राफ से ग्राफ इजी थे, मतलब ऐसा नहीं ग्राफ इजी है ठीक है, मैट्रिक किया हो ना इसीलिए उस टाइम हाँ इजी लग रहा था, पर अभी ऐसा नहीं है ठीक है। अब आगे देखो 57 क्वेश्चन, सोमेश किया था ये, किया था आगे, आंसर आया था नहीं आया था, आ गया था मिला है, अरे स्पिन बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा बता देना ठीक है। अब आगे देखो ये ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे गोला है, यहाँ पे ये है गोला, यहाँ पे ये है गोला, यहाँ पे है तो मतलब गोला आएगा, तो ये तो गया काम से ठीक है। अब ये तो गोला तो दे दिया, अब आगे देखो, अब ध्यान से समझना, इसमें एक तो चीज़ समझ में आ गई, अब देखो इसमें ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज ठीक है, अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, पर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो कुछ क्लॉकवाइज कुछ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ठीक है, तो वो नहीं चलेगा पैटर्न, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब इसमें क्या करो, ये पैटर्न पकड़ो कि पहला और इसमें क्या है, देखो इसमें ये सिमिलर है, इसको उल्टा कर दिया है और इसको उल्टा कर दिया है ठीक है, दो उल्टा कर दिया है ठीक है। फिर अब इधर देखो, इसमें इसके कंपैरिजन में देखो ये सिमिलर रखा है, इसको चेंज कर दिया है, और ये वाला इसमें सिमिलर है, मतलब दो सेम है ठीक है, इसमें देखो इसमें कोई दो सेम है नहीं, इसमें दो को चेंज किया है, मतलब यहाँ से जब यहाँ गए तो अपन दो चेंज किया है नहीं, फिर ये लग रहा है इसको सारों को पकड़ना पड़ेगा, रुक जाओ सारों को पकड़ना पड़ेगा। अब देखो इसमें देखो पहले से दूसरे में जाओ, इसमें देखो ये जो ये था इसको चेंज किया है इसने, यहाँ पे ऐसे बदल दिया है, और इसको भी चेंज कर दिया ऐसे कर दिया, और इसको भी कर दिया, देखो यहाँ पे तीनों चेंज कर दिया है ठीक है। अब आगे देखो, रुको ये पकड़ना पड़ेगा आपको ठीक है। अब इसमें देखो इसमें क्या किया है, इसको वापस से चेंज कर दिया है, इसको यही रहने दिया है ठीक है, और इसको भी ऐसे रहने दिया है ठीक है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया इसने ठीक। अब अगला देखो, अगले में क्या किया है, इसको यही रहने दिया है, इसको चेंज कर दिया और इसको चेंज कर दिया, अब देखो दो को चेंज कर रहा ठीक है, और यहाँ पे क्या किया था, दो को सेम ही था यहाँ पे ठीक है, दो को चेंज किया। अब अगले में देखो, अगले में इसको चेंज किया है ठीक है, इसको चेंज किया है और इसको तीनों को चेंज कर दिया, देखो पहले वाला जो कॉन्सेप्ट है ध्यान समझो,
जो इसमें जो हुआ था वो इसमें हुआ, फिर इसमें होगा। अब देखो इसमें, देखो इसको चेंज किया है, ये दोनों शिमला रखा है। अब इसमें क्या हुआ था, तीसरे वाले में क्या हुआ था, तीनों एक ही डायरेक्शन में घूमने लगे थे, तीनों एक ही डायरेक्शन में घूमने लगे थे। देखो यहाँ पे देखो ना, ये इसमें और इसमें सेम पकड़ना अपने को। इसमें क्या हुआ था, ये सेम रखा था, इसको चेंज किया था, इसको चेंज किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी देखो, रुक जाओ, अब देखो इसमें क्या करेगा, इसको सेम रखेगा, ठीक है, इसको बदला है, इसको बदला है, किसमें बदल रहा है, देखो ये सेम है, ये गलत, ठीक है, ये देखो इसको ये सेम रखा, इन दोनों को चेंज कर दिया, इसको चेंज किया ये आया, इसको चेंज किया ये आ गया, डी आंसर आ गया। ऐसे पकड़ना पड़ेगा, पैटर्न पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। सर एक और भी जो ट्रिक है ना इसकी, क्या देखो ये जो गोली है ना, इनको देखो नीचे जैसे स्माइल सी है जो तीर जैसे, तो इधर इधर की साइड भी डिफरेंट है और इधर की साइड भी, बीच में दो एक जैसे है, मतलब पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। तुम गलत लगा रहे हो सपना, पैटर्न ही पकड़ना मेरा तो सही आया था। हाँ, सही आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, ठीक है। आप देखो 60 और क्वेश्चन, ये मैंने बताया था उस दिन, याद करो 2011 में क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था रिपीट होगा ये क्वेश्चन, ये किया है नहीं किया, याद करो, मैंने करवाया था उस दिन। सोमेश नहीं करके आए तुम, क्वेश्चन ये दिख रहा है तुम्हारा ब्लैंक, मैंने किया हुआ है ऐसी बात, मैंने कॉपी किया हुआ है ना, कॉपी में ऐसा लिखा हुआ है, इसमें नहीं करता। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक लाइन एक वर्ड भी चेंज नहीं है, ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन, ठीक है, पर मैं अभी मैं बताऊंगा, ये परफेक्ट स्क्वायर से होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, चलो ठीक है। अभी कुछ कुछ सर ये दूध वाला है ना, उस दिन आया था दूध वाला, उसमें एक और मतलब और मिला दिए फिर। अरे नहीं, ये सिक्के वाला क्वेश्चन नहीं आया था एक, सुनो अब देखो ध्यान से, वो वाला क्वेश्चन है, एक दुर्लभ सिक्कों के ढेर में प्रति 3 असवर्ण सिक्कों का एक स्वर्ण सिक्का है, मतलब देखो जब 3 नॉन गोल्ड रहते हैं तब एक क्या रहता है, गोल्ड रहता है। ये कैसे मालूम चला कि गोल्ड है, ये तो रहा ना, प्रति 3 असवर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण सिक्का, ठीक है, तो नॉन गोल्ड और गोल्ड का रेशियो बना लोगे तो 3:1 है, ठीक है। ढेर में 10 स्वर्ण सिक्के और डाल दिए जाते हैं और स्वर्ण तथा अस्वर्ण सिक्कों का अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है, ठीक है, मतलब गोल्ड और नॉन गोल्ड का। इस सूचना के आधार पर ढेर में कुल सिक्कों का संख्या अब क्या हो जाएगी, ठीक है। आप देखो जब नॉन गोल्ड पे कितने का था, एक पे कितना है, एक गोल्ड पे कितना है, ये है, जब 10 अपन ने डाल दिए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 सोने के सिक्के, कौन 30 हो जाएंगे, टोटल सिक्के या सोने के सिक्के, नहीं नॉन गोल्ड, नॉन गोल्ड 30 हो जाएंगे, 30, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इसको ये अपने को चाहिए 1:2 रेशियो में, ठीक है, जब ये मान लो कि रुको चाहो तो एक्स वाई मान के भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। अब एक तरीका मैं सिखाऊँ, सुनो तो सबसे इजी तरीका सुनो, देखो 1:2 है, यहाँ रखना अनुपातों का योग 3, जो 3 से कटने वाली संख्या होगी वही होगा आंसर, तो बी और डी तो गया, ठीक है। अब मैं जो ऑप्शन से मेथड से करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब मान लिया कि अपने पास 60 सिक्के थे बाकरी में, ठीक है, अब इनको सोचो कि अपने को 1:2 रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है, 1:2 रेशियो में डिवाइड करना है, 60 को मैंने डिवाइड किया, जैसे मान लो कि गोल्ड के लिए मैंने निकाला 1:3, तो 20, जब 20 गोल्ड के सिक्के होंगे, ठीक है, अब देखो अरे इधर कितना आ जाएगा, 40 वो नॉन गोल्ड वाले आ जाएंगे, तो ये रेशियो सही हो रहा है, ये रेशियो आना चाहिए था 1:2, यहाँ तो आ रहा है परंतु यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 3:1, तो ये नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। अब देखो 90 से आ जाएगा, 90 ध्यान समझना, 1:3 का निकाला कितना आ गया, 30, ठीक है, और इसके बाद में ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब एक मिनट, जब अपन कितने ले रहे हैं, 10 जो लिए तो उसके बाद भी कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, ठीक है, 20 लेंगे तब 60 हो जाएंगे, नहीं 20 लेंगे तब कितना बढ़ेगा ये, 10 30, कुछ गलती हुआ, 60 80, रुको, किसने किया था ये क्वेश्चन सॉल्व,
मैंने किया था पर गलत आंसर निकला। आने रुक जाओ मैं बता रहा हूँ आंसर तो निकाल। देखो आंसर निकालने का तरीका तो मैं बता रहा हूँ। जैसे अनुपात 1:2 आया ना, ध्यान से समझना, तो इसका मतलब है कि वो 3 से डिवाइड होगी वो संख्या। तो 80 ना 3 से डिवाइड होता है, नहीं 50 होता है, ठीक है? ये 3 से डिवाइड करेंगे कोई, अरे अनुपात आया ना, ये देखो ढेर में 10 स्वर्ण सिक्के और डाले दिए जाते हैं, स्वर्ण तथा अस्वर्ण सिक्कों का अनुपात 1:2 हो जाता है। इस सूचना के आधार पर ढेर में कुल सिक्कों की संख्या अब क्या हो जाएगी, ठीक है? तो स्वाभाविक सी बात है जब आखिरी में अनुपात 1:2 आ रहा है तो इसका मतलब टोटल जो संख्या होगी वो स्वाभाविक सी बात है 3 से डिवाइड होनी चाहिए। अब मैं देखो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से समझना। अब देखो 1:2 हो जाती है ना, मतलब स्वाभाविक सी बात है कि अब देखो देर में 10 स्वर्ण सिक्कों को डाल दिए जाते हैं तो स्वर्ण में अस्वर्ण सिक्कों का अनुपात 1:2 हो जाता है। देखो इसका मतलब जब गोल्ड मान लो कि 10 है तो ये कितना हो जाता है, नॉन गोल्ड 20 हो जाता है, ठीक है? जब 20 है तब ये कितना हो जाएगा 40, 30 रहेगा तब कितना होगा 60, आंसर आ गया 30, 60, 90। ऐसे तो हो जाएगा, ठीक है? ये डायरेक्ट आ रहा है ना, देखिए सर। समझे कुछ पल्ले पड़ा मतलब? देखिए इसमें कह रहा है इसे मैं बोल रही हूँ स्वर्ण सिक्के अस्वर्ण सिक्के, ठीक? कह रहा कि अगर एक स्वर्ण सिक्के हैं, एक स्वर्ण सिक्के ले लिए तो 3 अस्वर्ण सिक्के हैं, बात सही है? अब कह रहा है कि 10 सिक्के और मैंने बढ़ा दिए, ठीक है? तो लेकिन ये अस्वर्ण सिक्के 3 ही रहेंगे, ठीक है? तो हो रहा है अनुपात 2:1:2 हो रहा है, ठीक? बोलिए, ठीक है? ये हो रहा है तो मुझे ऐसे कोई नंबर लेना है कि पहले 1:3 हो और 10 बढ़ जाए तो 2:3 हो जाए। तो पहले मैंने 20 और 40 के ले लिया, 60 हो गया, फिर 30 और 60, 90 हो गया, और कोई इसमें बनेगा ही नहीं। अरे ठीक है, मैं जो क्वेश्चन समझो वो वाला है, वो तरीका तो है ही, पर वो जो सोचना पड़ेगा। हाँ वही तो, ये कौन से ये है ना, ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन मेथड से ही करना है, ठीक है? ये चीज याद रखना, ऑप्शन मेथड से ही करना है ये चीज। अब इसका आंसर 90 आया है ना? हाँ 90 ही है। अरे सुनो ना, ध्यान से समझो इस वाले कॉन्सेप्ट इतना, देखो इसमें मैं फिर बता रहा हूँ ऑप्शन मेथड ही लगेगा, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ ध्यान से। सर मैंने पता है क्या किया था लास्ट में, ये 30 आया था ना, मतलब 10 सिक्कों का, तो ये जो दिया हुआ है ना 1:2, तो इसमें मैंने नहीं एक की जगह 30 रख दिए और दो की जगह पे फिर इसका डबल हो गया, 60 हो गए, फिर 30 और 60 को जोड़ दिए फिर 90 आ गए, क्योंकि इसमें कुल पूछा है, ये नहीं पूछा कि स्वर्ण या अस्वर्ण। चलो ठीक है, मैं एक और तरीका सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है? ध्यान से समझना एक चीज, ठीक है? जैसे स्टार्टिंग में देखो एक ये पहले वाला तरीका समझ में आ गया ना, जैसे 1:2 के रेशियो में, ध्यान समझना, तो मान लो कि सभी बात है ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 20, ये जब 20 है तब ये कितना होगा 40, और जब ये 30 होगा तब कितना होगा 60 होगा, ठीक है? ठीक है, एक तो ये तरीका है, ठीक है? इस रेशियो में बढ़ाओगे उस अकॉर्डिंग निकल जाएगा। मैं ये छोड़ो, अब मैं तुम्हें जो करवा रहा हूँ ये ध्यान से समझना, प्रति 3 स्वर्ण सिक्कों पर 1 स्वर्ण सिक्का है, ठीक है? अब आप मान के चलो इसमें से सब में से है ना, जैसे मान लो बाद में 10 जोड़ा है तब रेशियो ये आया ना, अब मैं मान लो कि सब में से 10 घटा दो, इसमें से सब में से 10 घटाओ, सब में से 10, ठीक है? 10 घटाया तो ये कितना आ गया 80 आ गया, ये 70 आ गया, ये 50 आ गया, ये 40 आ गया। अब देखो जो अपने को 3:1 का रेशियो दिया है, मतलब टोटल 4, अब मुझे इस 80 में से निकालना है, 80 में से मैंने निकाला 4, मान लो कि ये नॉन गोल्ड निकालना है 3, तो 4 × 2 = 8, 20 + 60, ठीक है? ये कौन आ गया, नॉन गोल्ड आ गया अपने पास, और जब गोल्ड वाला कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, अब ये क्वेश्चन शुरू पढ़ो, ढेर में 10 स्वर्ण सिक्के और डाल दीजिए, अब मैंने डाल दिया गोल्ड वाले कितने 10, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएंगे, और नॉन गोल्ड वाले कितने हैं 60, ठीक है? तो अब रेशियो अगर 1:2 आ रहा है तो आंसर हो जाएगा, तो ये आ गया। अब देखो और देखो ये तो डिवाइड होगा ही नहीं, ये डिवाइड होगा ही नहीं, अब 40 है, 40 को डिवाइडेड करो 1:4 से, तो 4 से अगर आपने किया तो गोल्ड वाले कितना आ जाएंगे 10, ठीक है? नॉन गोल्ड कितना आ जाएगा 30, ध्यान से समझना। अब देखो 30 आया नॉन गोल्ड, ठीक है, और गोल्ड वाले आया 10, अब 10 और मिला देते हैं 20, तो इससे तो रेशियो कितना आ रहा है 2:3, और आना कितना चाहिए था 1:2, इसलिए गलत हो जाएगा, आंसर ये भी आ गया।
और ये सबसे बढ़िया तरीका मतलब सर बाय ऑप्शन ही होगा ये। हाँ ये ऑप्शन बाय अच्छा है इसका सर एक तरीके से और सोच सकते हैं। अरे वो फिर वो लेंदी जाएगा नहीं एकदम आसान जाएगा जैसे इसमें कह रहा है कि 10 शॉर्ट सिक्के और डाल दिए जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है ठीक है इतना बोला है इसका 1:2 बता रहा है तो इसे 1+2 करेंगे 3 हो जाएगा तो वही तो मैंने बताया पहले आप इतना सोचिए जब 3 हो रहा है तो ये जो संख्याएं हैं 3 से कटनी चाहिए इसमें 2 ही संख्या जो 3 से कट रही है 60 और 90 ठीक है तो बी और डी ऑप्शन कट गया ठीक है इसके बाद कह रहा है अब इसके ऊपर रिवर्स करिए इसमें कह रहा है 3 शॉर्ट सिक्के हैं और 1 शॉर्ट सिक्के मतलब 4 हो जा रहा है तो पहली संख्या जो होनी चाहिए वो 4 से कटनी चाहिए 90 में से एक गया जो है वो 4 से कट जाएगी। अरे नहीं 90 में से 10 घटाना पड़ेगा तब जाके वही तो मैंने अभी सिखाया दोबारा तुम कहाँ सो रहे हो क्या सिखाया तुमने ये तो नहीं देख रहे थे ये क्या किया मैंने 26 - 10 करके ठीक है चलो अब आगे बढ़ो ये क्वेश्चन ऐसे करना है अरे वो ऑप्शन मेथड तो हर में अप्लाई करना होता है वो ठीक है अब देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन ध्यान समझना एक मालिक के पास 1000 पौधे हैं वह इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो इसके लिए कम से कम कितने अधिक और पौधों की आवश्यकता होगी याद करो परफेक्ट स्क्वायर का है समय बताओ 1024 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 1024 32 का ठीक है तो आंसर 32 अब बोलो इसलिए याद करवाए तो परफेक्ट स्क्वायर आप बोलो इन ट्रिक थोड़ा सा मुझे ऊपर से जा रही इसमें ऑप्शन बी होगा 61 का भी देखिए ठीक है तो देखो सुनो एक मालिक के पास 1000 पौधे हैं वह इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो इसके लिए उसके कम से कम कितने और अधिक पौधों की आवश्यकता होगी हाँ मतलब 32 का स्क्वायर कितना होगा 1024 समझ जा तो मतलब 1000 से कितने जाइए 24 मतलब आंसर तो 32 के परफेक्ट स्क्वायर से आया है ना वो ठीक है आंसर 32 नहीं है पर समझो कॉन्सेप्ट तो वही है ना स्क्वायर वाला ठीक है अरे समझो देखिए जैसे क्या होता है ये रो होता है ये कॉलम है अब स्क्वायर का मतलब भी क्या ही होता है ये स्क्वायर ही तो है स्क्वायर ही बन रहा है तो अब ये सोचो इसके लिए कम से कम कितने और अधिक पौधों की आवश्यकता अधिक बोल रहा है मतलब जैसे देखो 30 का कितना होता है 900 होता है 31 का परफेक्ट स्क्वायर बताओ 961 इसका मतलब 1000 से अधिक चाहिए तो 32 का स्क्वायर कितना आएगा 1024 तो अब ये बोला कितने और पौधे चाहिए 1000 पौधे तो है उसके पास ऑलरेडी तो 24 पौधे और चाहिए ठीक है तो ये 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024 तो उसी से आंसर आएगा ठीक है ये वो जो जो जिस दिनों चैप्टर कर रहे थे ना उसमें डायरेक्ट दिया है ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन ठीक है ये अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का डायरेक्ट एनसीईआरटी का ठीक है इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना है इसीलिए मैं तुम लोगों को करवा रहा हूँ ये चीज़ ठीक है अब आगे देखो किसी विद्यालय के ये है ना ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ 3 बार ये चीज़ याद रख लेना 3 बार ही रिपीट हुआ ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट हुआ ये मेरे से नहीं आया रहे ठीक है कोई नहीं किसी विद्यालय के विद्यार्थियों समग्र शैक्षिक निष्पादन हेतु 700 की राशि में 7 नगद पुरस्कार प्रदान किए जाने अब ध्यान से समझना 700 रुपये और 7 लोगों को बांट रहे हैं ध्यान से समझना सबसे ईजी तरीका है ये श्रेणी वाला क्वेश्चन बनेगा श्रेणी वाला ठीक है अब देखो अगर ये बोल देता है 100 रुपये दे दो तो कोई दिक्कत नहीं थी पर ये क्या बोल रहा है यदि प्रत्येक पुरस्कार उसके पिछले पुरस्कार से 20 कम है तो समान ये क्या बन जाएगी समांतर श्रेणी बन जाएगी तो यहाँ पे अपने को क्या क्या दिया है डी मतलब सार अंतर दिया है ठीक है और अपने को ये SN दिया है ठीक है अब प्रत्येक पुरस्कार न्यूनतम मूल्य क्या होगा मतलब स्वाभाविक सी बात है ए का मान पूछ रहा है एक का कितना आएगा तो ए बराबर एक फॉर्मूला होता है L बराबर ए प्लस एन माइनस वन ओ डी ठीक है एन का मान मतलब 7 है सारा अंतर अपना 20 है ठीक है अंतिम पद कितना हो जाएगा 700 आ जाएगा ठीक है तो 700 × 6 × 20 ये गया रुक जो नहीं ये फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें SN पदों का योग वाला लगेगा SN n by 2 2a प्लस n माइनस 1 by d ठीक है तो SN पदों का योग अब जब इनको जोड़ोगे तो टोटल 700 आएगा ठीक है n कितना है किसी विद्यालय 7 7/2
टू ए, ए का मान ही चाहिए अपने को, ठीक है। एन माइनस इधर कितना आ जाएगा, छः आ जाएगा, छः इंटू बीस, ठीक है। इधर कट लो 1400, ये 1400 क्या, सात से सात कैंसिल आउट, 100 200, ठीक है। 200 बराबर 2a प्लस 120, 120 में से एक 80, 80 में से एक गया तो एक बराबर 40, 40 आंसर आ गया, ठीक है। एक तरीका तो ये था जो फॉर्मूले से आप कर सकते थे, और इसीलिए ये चैप्टर ये है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी 10th क्लास का, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं दूसरे तरीके से करवा रहा हूँ, कॉमन सेंस से किया जा सकता है, ऑप्शन से कैसे किया जाता है वो ध्यान से समझना। अब देखो ध्यान से समझना, अब ये बोला कि देखो अपने को 700 रुपये है और वो डिवाइड करना है अपने को सात जनों में, हाँ सात जनों में करना है, और अपने को सब में 20-20 का अंतर रखना है। अब मैंने मान लो सबसे पहले ले लिया ऑप्शन में 30 रुपये, अब मैंने 30 रुपये लिए, फिर अगले को मैं कितना दूंगा, 50 रुपये दूंगा, फिर 70 रुपये दूंगा, फिर 90 रुपये दूंगा, ठीक है, फिर मैं 110 रुपये दूंगा, फिर 130 रुपये दूंगा, तो कितना हो गया, 3 3 6 और 150 दूंगा, ठीक। अब इनको जोड़ो, इनको जोड़ोगे ना तो टोटल नहीं आएगा, देखो जोड़ लो फिर एक बार, 0 5 3 8 9 9 18 18 7 25 25 5 30 30 303 33 3 4 5 6 देख लो कितना है, 630 आ गया। मतलब अब आप ध्यान से समझना, इसका मतलब अभी भी अपने पास कितने बच रहे हैं, 70 रुपये बच रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, तो मतलब अब इतने को मतलब है कि ये भी नहीं जाएगा, समझ में आ गया। अब 10-10 रुपये सबके 70 है, सात जनों को बढ़ना है तो 10 रुपये बढ़ा दो, आ गया आंसर। अब देखो देखो 40 60 80 100 120 140 160 3 3 6 7 अब जोड़ लो इसको, इसको जोड़ो, देखो 160 और ये कितना हो जाएगा, 200 300, ठीक है, 300 400 400 और ये देखो 500 600 अरे 700 आ गया आंसर। ये भी तरीका है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो फॉर्मूला ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा मारा मारी है पर याद रख रहा, नहीं मारा मारी नहीं है वो, आगे भी क्वेश्चन आएगा, एक 2016 में भी आएगा, हाँ फॉर्मूला है उस पर डायरेक्ट ही एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया सबको। हम लोग 10th क्लास की मैथ सॉल्व करेंगे ना, हाँ। अब आगे देखो टॉपिक के साथ होगी, टॉपिक के साथ होगी, हाँ टॉपिक के साथ, मतलब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ना, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, कब पेपर कंप्लीट करने के बाद, और आज, अरे आज नहीं, चलो ठीक है अभी तक फटाफट देखो कितना हो गया, 650। चलो अब देखो ये अगला क्वेश्चन ईजी है, देखो किसी पद के लिए 120 आवेदकों में से 70 पुरुष है और 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, 120 ध्यान समझो, एक ही डाटा को अलग अलग करते जाओ, 120 में से कितने 70 मेल है तो कितने फीमेल हुई, 50, ठीक है। अब इनमें 120 में से याद रखना 80 के पास क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मतलब कितने के पास नहीं है, 40 के पास नॉन ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंसधारी पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच क्या अनुपात होगा, ध्यान से समझना। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि 70 के 70 जो पुरुष है उनके पास क्या हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम कितना हो गया, 70। अब मिनिमम कब बनेगा, ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी ने आगे भी रिपीट किया है। अब 50 के 50 सोचो महिलाओं को मिल गया, ठीक है, मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटी 50 के 50 महिलाओं को मिल गया, तो स्वाभाविक सी बात है कितने को, अब कितने पुरुषों को मिलेगा, 30 को, तो 7:3 सी आंसर। एक बार फिर से अब देखो ध्यान समझो, किसी पद के लिए 120 लाइसेंस तक बात समझ में आ गई, ठीक है, अधिकतम, हाँ अधिकतम आए कैसे लेना, देखो सोचो 80 ड्राइविंग लाइसेंस है 120 व्यक्तियों में से, ऐसा हो सकता है ना कि 70 के 70 सारे पुरुष को मिल जाए, पॉसिबिलिटी है, तो मैक्सिमम ले लिया अपन ने, मैक्सिमम ले लिया, अब मिनिमम कब मिलेगा पुरुष को, मिनिमम आप सबाई जो सारे के सारे अगर महिलाओं को मिल जाए तो 80 में से 50 घटा दो कितना बचा, 30, ये 30 ही मिल, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं, तो ये 30 पुरुष को ही मिलेगा मिनिमम, तो 7:3 ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक आगे देखो, एक गैरिसन में 1000 सैनिकों के 1 महीने का भोजन था, ठीक है। अब देखो ना, चलो मैं ट्रिक भी बता चलता हूँ, सीसीटी में लगता है, ध्यान से समझना वो मैं, अब देखो तुम लोगों को विश्वास नहीं होता ना, सुनो ध्यान से समझो, पहली चीज़ ट्रिक कैसा लगता है, सुनो इसका आखिरी पॉइंट देखो, 4 4 4 इसका मतलब आंसर जो आखिरी जो आएगा वो किससे होगा, 4 से ही होगा, चार मतलब मैं फिर बता रहा हूँ ट्रिक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अब 2023 में भी बताऊँगा, उधर भी लग रही है, ठीक है,
और हाँ बताइए आगे। ठीक है सुनो, इसके लिए कम से कम कितने अधिक होते, जब भी ऐसे पूछे तो कम से शुरू करो, तो वो जो सबसे कम दिया वो कभी आंसर नहीं होगा, उसे जस्ट जो अगला वही आंसर होता है। अभी ट्रिक सुनते जाओ अभी, अब 2023 में भी लगा है ठीक। अभी तक देखो, न्यूनतम न्यूनतम जो है उसको मत लो, उससे जस्ट एक अधिक ले लो, आगे आंसर है बोलो। अरे ऐसा नहीं है, ये कम से कम भी 5-6 क्वेश्चन तो हर साल लगता है, हर साल। बी वाला ऑप्शन? अरे नहीं, तुम ऑप्शन से लिए बता रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ, न्यूनतम और अधिकतम वाले में हमेशा लगती है ट्रिक मेरी। एक बार फेल हुई थी, एक बार 2011 से लेकर 2023 तक देख लेना, एक बार फेल हुई है, नहीं तो हर साल लगती है, हर साल, ये चीज़ याद रख लेना। 2023 में भी लगी, मैं आज करवाऊँगा, रुक जाओ अभी देखो ना। अब ध्यान से अगला क्वेश्चन देखो, ड्राइविंग लाइसेंसधारी पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसमें दो ऑप्शन है, 7-7, ठीक है, आंसर इसी में से होगा, काट दो ये चीज़ याद रख लेना। अधिकतम न्यूनतम पूछे, दोनों पूछे ठीक है। अब देखो न्यूनतम के लिए, न्यूनतम के लिए सब ध्यान से देखें, अब इन 7-7 है, अधिकतम तो दोनों सेम ही है, न्यूनतम लेना है तो भाई 5 और 3 में से न्यूनतम क्या है, ये देखो मैं फिर बता रहा हूँ, यह अभी अप्लाई मत करना, सीखना, पर एट द इमरजेंसी केस मान लो कि आपको लग रहा है भाई सीसेट में मेरे कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसको अपना लेना, पेट्रोल बम है ये बस, पेट्रोल बम। आप देखो अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, वो भी ध्यान से देखना, पहले मैं उसे करवा देता हूँ, फिर मैं ट्रिक से बताऊंगा इसको ना। अरे ऐसा नहीं लगेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, अरे सोच लो भाई, एक एक क्वेश्चन से जिंदगी बन जाती है, बिगड़ भी जाती है, एक भी बताओ। वो तो बिगड़ी हुई है ना ऑलरेडी, वो तो तभी अप्लाई करना है, तो भाई बिगड़ी हुई तभी सुधारने के लिए तुम लोग है ना। अब देखो ये सोचो, एक गैरिसन में 1000 सैनिकों के 1 महीने का भोजन था, ध्यान से समझना ठीक है, 1000 सैनिकों का भोजन था, मतलब 30 दिन का भोजन था इनके पास, 10 दिन के बाद 1000 अतिरिक्त सैनिक गैरिसन में शामिल हुए। अब स्वाभाविक सी बात है, 1000 सैनिक आगे मतलब 2000 और आगे, अब सोचो कि 1000 अतिरिक्त सैनिक गैरिसन में शामिल हुए, बचे हुए भोजन में सैनिक कितने दिन काम चला, सोचो सोचो 10 दिन काम चल गया था ठीक है, अब 20 दिन और चलता, 1000 रहते तब, अब स्वाभाविक सी बात है 2000 हो गए, तो स्वाभाविक सी बात है कितने दिन, एक मतलब 10 दिन पहले ही ख़त्म हो जाएगा, तो कितने दिन और चलेगा, मतलब 10 दिन और चलेगा, 10 + 10 तो मतलब 10 दिन और चलेगा, बचे हुए भोजन से सैनिक कितने दिन काम चला सकेंगे, तो 10 दिन चलेगा, समझ में आया। 30 दिन थे, 1 दिन 10 दिन खत्म हो चुके थे, 1000। अब मैं तुम्हें नहीं, इसको बहुत सिंपल तरीके से सिखाता हूँ, ध्यान से समझना है ना। मान लो कि पहले यही था सचिन ही था ठीक है, ये अकेला था, ये आराम से 30 दिन में खाता उस खाने को ठीक है, तो 10 दिन तो अकेला अकेले खाया ठीक है। अब जब तुम भी आ गए ठीक है, अब बचा था 20 दिन का खाना, तो सबाइश बता, जब ये अकेला खाता था 20 दिन चलता, तुम दोनों मिलके खाओगे तो कितने दिन चलेगा, बस तो सिंपल आंसर ठीक है। अब देखो सुनो, अब अगले, अब इसका भी आंसर मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना, मतलब कॉमन सेंस से इसका भी आंसर आ जाएगा ठीक है। ध्यान से देखो, एक गैरिसन में 1000 सैनिकों के 1 महीने का भोजन बचा होता, 30 दिन का भोजन था ठीक है, तो 10 दिन तो हो गए, तो 10 दिन हो गए तो भाई ये तो कभी आंसर आएगा ही नहीं आएगा, ना ये आएगा ठीक है। 10 दिन के बाद 1000 सैनिक और आ गए, कॉमन सेंस सोचो, आप सोचो कि उसके 1000 व्यक्तियों के लिए 20 दिन का था, तो स्वाभाविक सी बात है 1000 व्यक्ति और आ गए, तो भाई स्वाभाविक सी बात है डायरेक्ट है उसका आधा हो जाएगा, ये 15 तो होगा ही नहीं, ऐसे भी कॉमन सेंस से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, वो बड़ी बात नहीं। अगर भाई इसमें कंप्लीट संख्याएं ना होती, जैसे 900 करके कुछ होती तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सेम क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम वाला पढ़े हो। अरे वो ये वो उस क्वेश्चन पे है नहीं क्वेश्चन, ये स्वाभाविक बात है कि है तो उस तरीके से लग जाएगा, कॉमन सेंस यूज करो तो ज्यादा बढ़िया है ना अभी जब तक ठीक है। सोमेश क्या हुआ, अब दो क्वेश्चन और बचे हैं इसमें, बाकी सब तो है ठीक है। बाकी देखो, अरुण की मोटरसाइकिल में टंकी भर पेट्रोल 10 दिन चलता, देखो ये भी कॉमन सेंस से ध्यान से देखना ना, 10 दिन चलता है, यदि वह प्रतिदिन 25% अधिक उपभोग शुरू कर देता है तो टंकी भर पेट्रोल कितने दिन चलेगा, अब ध्यान से देखना, सब बाइक बात है 10 दिन चलता अगर वो सामान्य यूज करता रहता, ध्यान से देखना, अब वो 25% यूज करना एक्स्ट्रा शुरू कर दिया, देखो ध्यान समझना, तो 25+25+25+25 तो सब ऐसी बात है कितना
चार दिन में 100% यूज कर लेगा, मतलब एक दिन का खत्म कर देगा ये। अब फिर सोचो 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, फिर 100% यूज कर लेगा तो इसका मतलब एक दिन फिर खत्म, तो 10 में से दो दिन खत्म हुए तो कितना बचा? 8 आ गया आंसर। 100% पेट्रोल के मतलब टंकी खाली। आप देखो सुनो सम, जैसे नहीं, अगर वो सामान्य यूज करता, मतलब कि एक दिन में पहले जो यूज करता एफिशिएंसी थी, तो एक दिन 10 दिन चलता वो पेट्रोल, अब वो क्या कर दिया 25% ज्यादा खपत करना शुरू कर दिया, पर डे 25 कर रहा है, दूसरे दिन 25 50, तीसरे दिन 75, चौथे दिन 100, तो मतलब एक दिन का खत्म कर लिया चार दिन में। अब आठवें दिन तक जाएगा तो दो दिन का खत्म कर लेगा, तो पेट्रोल टंकी खत्म, 100% है दिनों का। हाँ बस ठीक है। अब आगे देखा ये क्वेश्चन, वो समय बराबर दूरी बटा चाल वाला है, इसको छोड़ दो अभी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे तब करेंगे कल, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं फटाफट आंसर बता देता हूँ, ठीक है, ये हो ना ये क्वेश्चन 75 से 80। ये है क्या आंसर है बताओ, इसका आंसर 75 का बताओ फटाफट से, सब में सी मार दो, अगर गलत हो जाए तो बताना। अच्छा हाँ सही बताया नहीं करना हमने, आप देख लेना इसे। चलो ठीक है सुनो इसका, देखो आप कार्यालय अध्यक्ष है, कुछ मकान कार्यालय कर्मियों को आवंटित करने के लिए सुरक्षित रखे गए हैं और आपको इस मामले में विवेकाधिकार प्राप्त है, ठीक है। अब ध्यान समझना, मकानों का आवंटन के लिए कुछ नियम आपके द्वारा बनाए गए और उन्हें सार्वजनिक कर दिया गया, मतलब आपने जो नियम बनाए तो फैल चुके हैं। आपके निजी सचिव जो आपको बहुत निकट है आपके पास आता है और पैरवी करता है कि उसके पिता गंभीर रूप से बीमार है, अतः उसे मकान के आवंटन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कार्यालय सचिवालय नियमानुसार इस प्रार्थना को परीक्षण कर उसके अनुरोध को ठुकरा देता है, मतलब वो सही नहीं है, वो व्यक्ति नियमानुसार प्रक्रिया अपनाने की संस्तुति करता है। आप अपने निजी सचिव को नाराज नहीं करना चाहते, इन परिस्थिति में क्या करोगे? उसे अपने कमरे में बुलाएंगे और व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट करेंगे आपटन क्यों नहीं किया जा सकता, ये बात तो सही है। उसके वफादार जितने लोग मकान आपने कर देंगे, गलत। यह सिद्ध करने के साथ आप निष्पक्ष हैं और आप किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, कार्यालय टिप्पणी से सहमति व्यक्त करेंगे, सही बात है। फाइल अपने पास पड़े रहने को कोई आदेश नहीं देंगे, ये लेट लतीफी वाला काम है, ये कल का भी नहीं। लाल पीता साई, ठीक है। अब आगे देखो दिल्ली में ऑप्शन बार बार क्यों आ रहा है? अरे ये डिसीजन लेने की प्रोबेबिलिटी, आप कौन सा डिसीजन लोगे तो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा ना, तो ये पहले ऐसा आता था तो उसमें क्या दिक्कत है? तो एक ही दिन आए ना। अरे हाँ गोला तो एक ही भर के आना है। दो बार नहीं इसमें पॉसिबिलिटी, अरे तो कोई सा भी भर सकता है, दोनों में ए और सी दोनों में, जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो। हाँ तो फिर सही है। तो दिल्ली में पंजीकृत व्यवसाय टैक्सी से दूसरे राज्य के करीब शहर की ओर जाते हुए आपका टैक्सी चालक आपको बताता है कि चूंकि उसके आसपास पास उस शहर में टैक्सी चलाने का परमिट नहीं है, अतः वह उसके परिवहन कार्यालय पर रुकेगा और 40 रुपये प्रतिदिन का निर्धारित शुल्क अदा करेगा। काउंटर पर शुल्क अदा करते समय आप पाते हैं कि परिवहन लिपिक 50 रुपये अतिरिक्त वसूल रहा है, मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके लिए कोई रसीद नहीं दी जा रही है। आप अपनी बैठक के लिए जल्दी में इन परिस्थिति में आप क्या करोगे? सभा बात क्या करो उसमें, काउंटर पर जाएंगे और लिपिक से धन वापस मांगे जो उसने अवैध रूप से लिया है? ये तो तुच्छी काम हो गया, मतलब भाई अधिकारी हो तो थोड़ा यू हैव टू मेंटेन, वो तो होता है ना कि सड़क छाप टाइप से, ठीक है। पर आंसर है परंतु वो सही तरीका नहीं है, ये कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो बहुत गलत है, क्योंकि मामला टेक चालक को कर नहीं, ऐसे नहीं है, घटना का संज्ञान लेंगे और बाद में संबंधित अधिकारी से इसकी रिपोर्ट करेंगे, ये बात सही है। इसके साधारण मामला सुलझेंगे भूल जाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा मूर्खता होगी, ठीक है। आगे देखो, एक व्यक्ति दूर दराज के गांव में रहता है जहां पहुंचने के लिए बस से लगभग 2 घंटे लगते हैं। इस ग्रामीण का पड़ोसी बहुत ताकतवर भूस्वामी है, यादगार पहले भी किए थे इस टाइप क्वेश्चन अपन, जो इस गरीब ग्रामीण की जमीन जबरदस्ती उठाना चाहता है। आप जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में व्यस्त है। ग्रामीण बस से और पैदल चल के इतनी दूरी से आपसे मिलने और ताकतवर भूस्वामी जमींदार से सुरक्षा हासिल करने के लिए प्रार्थना पत्र देने आए, तो तब तो भाई इसका तो सबसे पहले सुनना चाहिए। ग्रामीण सभा कक्ष के बाहर 1 घंटे प्रतीक्षा करता रहा, आप बैठक से बाहर आते हो, दूसरी बैठक के लिए जाने की शीघ्रता में ग्रामीण अपना प्रार्थना पत्र के लिए आपके पीछे आने लगता, आप क्या करोगे? क्या करोगे सोमेश? उसे अगली बैठक के आपसे लौटने के 2 घंटे तक प्रतीक्षा करने के लिए कहेंगे? ये बहुत गलत बात है। उसे बताएंगे मामला वास्तव में कनिष्ठ अधिकारी द्वारा देखा जाना था, पर प्रार्थना पत्र उसे दे दे, ये तो कार्य से भागना होता है। अपने एक वरिष्ठ मातहत अधिकारी को बुलाकर निर्देश देंगे कि वो ग्रामीण समस्या का हल निकाले, ये बात सही है। उसकी प्रार्थना पत्र तेजी से लेकर उसे कुछ प्रासंगिक प्रश्नों की समस्या के बारे में पूछेंगे और बैठक के लिए चले जाएंगे, ठीक है, ताकि कुछ तो रिलेशन पन ज़्यादा अच्छा ये है। देखिए सब चीज़ सही हो रहा है। अच्छा
हाँ तो तुम देखे होंगे ना आंसर। अरे नहीं सही में इसमें जितने हैं ना बी और सी में मारते जाओ सही हो जाएगा। ये अभी तुक्का मैं सिखाऊ ठीक है फोड़ दूंगा तुम्हें। ठीक है अब आगे देखो, जिस जिले में आप जिला मजिस्ट्रेट है वहाँ चीनी की किल्लत है। सरकार ने आदेश निकाला कि वैवाहिक उत्सव पर अधिकतम 30 किलो चीनी की जारी की जा सकती है। आपके करीबी दोस्त के बेटे का विवाह, मतलब ये जो है ना सामान्य जीवन में होता रहता है, उन्हें आपका मित्र अपने बेटे के विवाह के लिए कम से कम 50 किलो चीनी जारी करने का अनुरोध करता है। जब आप इस मामले में सरकारी नियंत्रण के बारे में बताते हैं तो वह नाराज़ हो जाता है। उसका विश्वास है कि चूंकि आप जिला मजिस्ट्रेट हैं आप कितनी मात्रा में चीनी जारी कर सकते हैं। आप उसे अपनी मित्रता बिगाड़ नहीं चाहती, इन परिस्थितियों में आप क्या करोगे? उसे अतिरिक्त मात्रा में चीनी जारी कर देंगे, गलत बात। अपने मित्र को अतिरिक्त मात्रा में चीनी जारी न करने के नियमों सख्ती से पालन करेंगे, ठीक है ये बात भी सही है। अपने मित्र को सरकारी आदेश को प्रति दिखाएंगे, उसके नियमानुसार चीनी को कम मात्रा से विवाह करने के लिए तैयार करेंगे, ये बात सही। कन्विंसिंग पावर होती है इसको बोलते हैं। उसे आवंटन करने वाले अधिकार को सीधे प्रार्थना पत्र देने की सलाह देंगे और सूचित करेंगे कि आप ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। वो भी इतना ज़्यादा इससे आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा ना, उसको समझाना जस्ट गुड मेथड। कोई गलती कर रहा तो उसको समझाना चाहिए ना कि उसको डांटना फटकारना चाहिए। समझ में आया? क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसे नहीं करते। अच्छा वो तुम्हारे जैसे लोग तो मैं लात मारूंगा। ठीक है अब आगे देखो, आप ऐसे क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने के प्रभारी है जहाँ वर्तमान नीति का कड़ा विरोध हो रहा है। आप निवासी को छोटे परिवार रखने की आवश्यकता मनवाना चाहते हैं, इस संदेश को संप्रेषित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निवासी को स्वास्थ्य और जीवन स्तर सुधारने के हेतु परिवार नियोजन की आवश्यकता तरह, ये बहुत अच्छा है, लॉजिकली समझाओगे उनको। देर से विवाह बच्चों के बीच उचित अंतर को प्रोत्साहित करना, ठीक है आगे हो देखो। परिवार नियोजन युक्ति अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना, ये अच्छी चीज़ है तो गवर्नमेंट करती है, ठीक है। ऐसे लोग जो जिनका बंदीकरण हो चुका है अथवा जो गर्भ निरोधक प्रयोग कर रहे हैं, निवासी से प्रत्यक्ष तक बात करने का आग्रह, ये भाई डायरेक्टली तुम कर ही नहीं सकते, कितने लोगों से बात करोगे, ज़्यादा मैसेज का स्पीड करो। अब देखो 80 है, आप एक विश्वविद्यालय में शिक्षक और एक विषय की विषय पर प्रश्न पत्र बना रहे हैं। आपके सहकर्मियों में से एक है जिसका पुत्र उसी, देखो ये केस स्टडी आई है यूपीएससी ने, डायरेक्ट उठा के उधर केस स्टडी में पूछा है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, नहीं तो मतलब नहीं है इनका करवाने का। आपके सहकर्मियों में से जिसका पुत्र उसी विषय पर परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसके पास आता है और आपकी सूचना देता है कि उसके पुत्र की परीक्षा को उत्तीर्ण करने का आखिरी अवसर है और आपसे परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के संकेत देकर पुत्र की सहायता करने तो आग्रह करता है, तो बहुत गलत बात है, चीटिंग कर रहा है। अतीत में आपको सहकर्मी ने दूसरे मामले में आपकी सहायता की है, आपका सहकर्मी आपको सूचित करता है कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उसका पुत्र अवसाद से घर्षित हो जाएगा। ओह माय गॉड, कंडीशन दे दिया इसने, तो ये सब बहाने होते हैं, याद रखना, इसे घबराना नहीं है, डिसीजन चेंज मत कर देना सोमेश, ठीक है। अतीत में उसके द्वारा दी गई सहायता को देखते हुए उसकी सहायता करेंगे, गलत बात। खेद व्यक्त करेंगे कि आप उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते, ये सही है, पर तो आगे देखो ज़्यादा अच्छा क्या है। अपने सहकर्मी को आप समझाएंगे कि ऐसा करने से विश्वविद्यालय के अधिकार का विश्वास भंग होगा और आप उसकी सहायता करने की स्थिति में नहीं है, ये सही है, सबसे बढ़िया। उच्च अधिकारी को अपने सहकर्मी के आचार की शिकायत करेंगे, ये गलत बात है, बी ओ सी इसमें सही आंसर। ठीक है कल 2014 का पेपर कंप्लीट करके ला रहा है, ठीक है। और सुन लो देखो, ट्रिक लग रही है ना, देखो ऐसा नहीं है, जो मेरे पास जो चीज़ें हैं वो विश्वसनीय हैं और आप उनको यूज करोगे तो फायदे में रहोगे। मैंने उस दिन ही बताए थे, देखो जिन क्वेश्चनों में लग रहा था, देखो इनमें तो सब में लगेगा, इनमें भी लगेगा, वो मैं ठीक कहूँगा, पर अभी जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझना, जिन क्वेश्चनों में लग रहा था ठीक है, इसमें भी लगेगा, इनमें सब में लगेगा, वो मैं सिखाऊंगा पर लास्ट में, अप्रैल में, अभी नहीं, मैं तो अभी बस एक हिंट देके छोड़ रहा हूँ तुम लोग। हाँ अब देख ध्यान समझना सोमेश, फर्श पर अधिकतम कितनी टाइलें आ सकती है? अधिकतम मतलब मैक्सिमम दिया उससे कम आएगा आंसर, 8, यही आंसर था, यही आंसर था। अब आगे देखो, पर कब करना है, जब अधिकतम पूछ रहा हूँ, मिनिमम पूछ रहा हूँ, उसमें डायरेक्ट लगता है। एक बार गलत हुआ था मुझे याद अच्छे तरीके से, नहीं ये फॉर्मूला कभी फेल नहीं हुआ मेरा, आप देख लेना 2011 से लेकर 2023 तक लगा के, कभी गलत नहीं जाएगा ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे भी लगेगा ये फॉर्मूला, यहाँ पे भी लगेगा,
और फिर बता रहा हूँ ये चीज़ें तभी आएगी जब तुम लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे, नहीं तो नहीं आएगा। ये वाला ध्यान से समझना। अब देखो इसमें ट्रिक लगेगा, ध्यान समझना। पी क्यू आर एस एक अंक वाली भिन्न धनात्मक संख्या है। महत्व मान पूछा, मैक्सिमम सबसे मैक्सिमम मान कितना दिया, 230 मैक्सिमम चाहिए, तो अपन उसे जस्ट एक यही आंसर है, याद करो उस दिन करवाया भी था। अब बोलो। अरे ऐसा नहीं है, बहुत क्वेश्चनों में लगता है। अभी तो मैं तुम लोग बहुत सारे तरीके बताऊंगा सीसेट में। अधिकतम बोले, अधिकतम बोलेगा तो अधिकतम से जस्ट नीचे, और मिनिमम में जब बोलेगा तो मिनिमम से एक जस्ट ऊपर, मिनिमम से जस्ट एक ऊपर, मिनिमम अधिकतम दोनों बोले। एक और ट्रिक सुनो, सकता है सकता है सकता है, सही होता है ये भी है ना, 90% लगेगा सीसेट में, 90% एकदम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फोड़ के लगाओ, मैं देख लेना। तो अधिकतम और न्यूनतम दोनों मान पूछ लेते हैं तो दोनों में तो अभी तो करवाया था, तो वैसे एक ही क्वेश्चन आया वैसा वाला जो सेवन मिनिमम, मिनिमम में जस्ट एक ऊपर या नीचे सर। अरे मिनिमम जैसे मान लो कि 15, 14, 13, 12 दिए, मिनिमम पूछा तो ये नहीं लेंगे अपन, ये 13 लेंगे। सुनो अब ये क्वेश्चन और सुनो, जब भी ये आ जाए अंतर पूछ रहा, याद रख लेना कभी जीरो नहीं आएगा आंसर, वो मैं बताऊँगा। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि ये लगेगा, ये चीज़ याद रखना ना, हर जगह लगेगा। अब देखो उसे अधिकतम कितने प्रयास करने होंगे, ठीक है, ये एक बार देख लेना इसका आंसर क्या है, एक बार देखो इसका, देखो इसका आंसर कितने का। चार। ये उस दिन वैसे मैं करवाया भी तो था इस क्वेश्चन को, पर रुक जाओ अभी देखो यूपीएससी। ये लगता है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, 90% है। एक आध बार गलत हुआ है, मुझे पता है उसका भी, एक बार गलत हुआ था ये फॉर्मूला, और उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो वैसे चीज़ें तो होती ही है, नॉर्मल बात है, पर लगता है हमेशा क्वेश्चन पेपर नहीं चाहिए हमसे, की चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ अभी वो नहीं, पर ये ट्रिक्स जब है भाई, सभी बात है, जब सीसेट मेरा एक ही दो दो क्वेश्चन से रुका है भाई, ये चीज समझो, जब ऐसे लग रहा है कि होगा, पर इसका आंसर बी होगा, बी 36 है। हाँ हाँ, ये तो मैं करवाया था, ठीक है, पर मैं बता रहा हूँ कि नहीं, वो लगता है 90% लगता है, ये तो देखो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, पर वो मैक्सिमम मिनिमम जब भी पूछे याद रख लेना, वो लगेगा। अरे ऐसे नहीं, मैं तुम्हें और क्वेश्चन दिखवा देता हूँ, ये लगता है ये क्वेश्चन, ये चाहिए रख लेना। दो हजार 22 वाला देख लो, हर साल आता है, हर साल 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस टाइप के। एक बार समय तुम्हारे मोबाइल में खोलो, इसका आंसर की खोलना, इसमें भी मिलेंगे आपको। आंसर की यूपीएससी वाला आंसर की, इसका पेपर ही गायब कर दिया क्या? अरे लगता है लगभग हर साल, अरे एक घड़ी वाला जो ट्रिक सिखाऊंगा वो भी लगता है, इसी याद रख लेना भाई। देखो सीसेट में एक ही क्वेश्चन ही है जिससे टॉप नहीं करना है इसमें, पर ये एक ही क्वेश्चन पास करवा देंगे आपको, चल जा भाई चल जा। ध्यान से देख लो ना, कौन सा सेट है ये। मैक्सिमम मिनिमम वाला होगा ना, वहाँ जहाँ जरूर लगेगा, ठीक है। अरे इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, ठीक है, तीनों सही होंगे, मतलब देखो इसमें जैसे तीनों गलत है तीनों सही, मतलब इस टाइप कॉन्सेप्ट है, वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। इस टाइप में लगता है, वो मैं बताऊंगा, जैसे पहले पहले एक एक अक्षर को पकड़ो, ठीक है, फिर इधर से पकड़ो, ऐसे लगता है इसमें, लगता है वो ट्रिक में बताऊंगा, लगता है इसमें भी।
सर इन एबीसीडी वाले में ना कभी कभी इतना डिफिकल्ट बना देता, समझ में नहीं आता। वो इसीलिए हो रहा है, उसमें है ना टाइम बचाने के लिए जो मैं तरीका बताऊंगा वही अपनाना, उसे टाइम भी बचेगा, ये चीज याद रख लेना, टाइम भी बचेगा। ये देखो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था उस दिन, अब देखो ये डायरेक्ट 2022 में रिपीटेड है, डायरेक्ट याद करो अपन के रास्ता वाला क्वेश्चन, ये 3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ये देखो ये भी कर चुके हैं सीक्वेंस वाला क्वेश्चन। यहाँ पे भी लगेंगे सभी, ये सब कुछ सही होते हैं, ये यहाँ पे भी लगेगा, ये चीज याद रख लेना। एक और क्वेश्चन है जिसमें लगता है, हाँ देखो इसका देखो 47 का आंसर देखो, 47 का न्यूनतम कितने कलम खरीदनी चाहिए कि हर एक को मिली कलमों की संख्या सम संख्या हो। 294 आ रहा है 47 का सी, अरे सी सेट पेपर 2 47 से रुक जाओ, 2022 का ही है। यहाँ पे लगा था क्या ये वाला रूल सर, मिनिमम से जस्ट एक ऊपर? नहीं नहीं लगता है, मतलब मैं बता तो रहा हूँ ना, हाँ कई कई नहीं लगे, एक आध दो है परसेंटेज में, 90% में बोला, पर लगता है, मैं फिर बता रहा हूँ लगता है, ये चीज़ याद रख लेना। इस पेपर में क्वेश्चन है बहुत जगह लगेगा वो। हाँ अब इसका 65 का देखना, 65 का है सी, सी है ना, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैं घड़ी वाली ट्रिक बताऊंगा उससे होगा ये वाला क्वेश्चन। ऐसा नहीं देखो, मैं पहले तो मेरी जो मेरा जो प्लान है, मेरा ये प्लान है कि तुम लोग उस लाइक रहो ही नहीं, मतलब ये चीज़ें लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े, ठीक है पहली बात तो ये है, नहीं तो पता लगा कि इसी में फंस गया। और सर एग्जाम में इतना रिस्क ले रहे कि ना हिम्मत भी नहीं होती ऐसे ऐसे तुक्के लगाते हैं या करते हैं ऐसे ही बिना देखे। ये तुक्का नहीं है भाई, तुम लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मैं तुम्हें तुक्का सिखा रहा हूँ भाई, पेपर इसी से निकलता है, बस सी सेट की बात नहीं कर रहा, पर जीएस में तो भाई, अरे ऐसा नहीं है, सी सेट में भी इसी से ही निकलता पेपर, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये कंप्रेंशन है ना, ऐसे ही सही होंगे। देखो ये 61 का आंसर बताना एक बार, 61 देखो ध्यान समझो, जैसे मैं फिर बता रहा हूँ ध्यान से समझो, अधिकांश लोग अपनी ज़रूरतों के लिए धन का संचित ही नहीं करते हैं, संचित ही नहीं करते हैं, अधिकांश लोग अपनी जरूरतों के लिए, रुक जाओ देखो, अधिकांश लोग अपनी ज़रूरतों के लिए धन संचित करने में कभी असफल नहीं रहते हैं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ऐसे लोग भी हैं जो अपनी ज़रूरतों के लिए धन संचित करने में असफल रह जाते हैं, सी आंसर, मतलब सही है। अब मैंने कैसे निकाला, ट्रिक से ही निकला सर इसमें, तो फिर आप तो ट्रिक लग रही, उधर तुक्का लग रहा, तो मैं फोड़ दूंगा तुम लोगों को। अरे भाई समझो भाई, नहीं सर एग्जाम में बहुत डर हावी रहता है। अरे बात डर नहीं है ये, जब इस प्रैक्टिस बार बार करोगे ना तभी होगा ये चीजें, नहीं तो फिर डर ही लगता रहेगा। चलो ठीक है फिर।